अर्पिता के घर एक पार्सल आया था जिसमें एक महंगा डायमंड का नेकलेस था। घर में सभी लोग अर्पिता पर शक करने लगे कि आखिर किसी ने उसे इतना महंगा तोहफा क्यों भेजा है। तब पता चला कि ये एक जैसे नाम और एड्रेस की वजह से हुआ कंफ्यूजन था। लेकिन अर्पिता को शॉक तब लगा जब ब्लैकमेलर ने उसको फोन करके पूछा कि उसे नेकलेस कैसा लगा। अर्पिता चौंक कर बोली, वो तुमने भिजवाया था, मतलब कोई गलती नहीं थी, वो तुमने जानबूझकर किया ये सब, ब्लैकमेलर बोला। अब तुम हमेशा मुझे ऐसे हल्के में लेती हो, तो मुझे अपनी बातों में वजन दिखाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इतनी बार बोल दिया मेरी बात मान लो, बात मान लो, पर तुम तो सुनती नहीं हो। अर्पिता झुंझला कर बोली, क्या बात मनवानी है तुम्हें? हाँ, मान लिया हमने कि तुम हमसे प्यार करते हो, पर हम करें क्या उसका? तुम खुद जानते हो हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो भी दो दो आदमियों से। अब तीसरी शादी तो कर नहीं सकते ना, और क्या चाहिए तुम्हें? ब्लैकमेलर बोला, तुम्हारी पांच शादी और भी होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम चाहिए हो, इसलिए मुझसे मिल लो एक बार। अर्पिता झट से बोली, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। ब्लैकमेलर बोला, मतलब अभी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे? हाँ यार, बहुत थका दोगी तुम, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी, जब तक तुम नहीं मानोगी मैं कोशिश करता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है तुम जल्दी ही मान जाओगी। वो नेकलेस जब तुम मिलने आओगी तब दूंगा तुम्हें। अच्छा चलो, अब ये तो देख लो तुम्हें पार्सल में भेजा क्या है, बाय। अर्पिता जल्दी से बाहर गई तो देखा उसकी माँ पार्सल खोलकर बैठी थी। गौरव भी तब तक बाहर आ चुका था, सभी चॉकलेट खा रहे थे। गौरव खाते हुए बोला, ये तुम्हारी कंपनी ने भेजा है, चॉकलेट्स हैं, न्यू ईयर का एडवांस गिफ्ट। सुमन बोली, अरे चॉकलेट भी कोई भेजने की चीज है, एक पूरी फायर ही भेज देते, काम तो आता। अर्पिता ताना मारकर बोली, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, पांच मिनट पहले आप सब लोगों ने उस नेकलेस की वजह से हमारी रिमांड लगा दी थी, और अब चॉकलेट खाने में लग गए हैं। आप सब सस्ते गिफ्ट के लायक हो, ठूस लो सारी की सारी। अर्पिता अपने कमरे में गई और खुद से बोली, इस समय को ये भी पता है कि हमने घर में प्यूरी फायर वाली कंपनी का झूठ बोल रखा है, इसे ये सब पता कैसे चला? कितनी जासूसी की है इसने हमारी, यहाँ हमारे घर वालों को जब पता चला कि किसी ने हमें इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो ये सब हमारे खिलाफ हो गए, पर जब इन्हें पता चलेगा कि हम ऋत्विक की पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं तब तो ये लोग हमें अपनाने से ही इनकार कर देंगे। गौरव बड़ी मुश्किल से रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगा है, सच बाहर आते ही सब नाराज हो जाएंगे हमसे, और माने ये दो परिवारों की इज्जत वाला डायलॉग मारकर बोझ और बढ़ा दिया है हम पर, कहां फंस गए हम बाबा जी? कल ये समझ मिल जाए ना तो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे हम। रात को सोने से पहले अर्पिता ने गुस्से में ना निर्मला और ना सुमन से बात की और ना ही गौरव से कुछ कहा। ऊपर से वो रात भर समय के बारे में सोच सोचकर परेशान होती रही। रात में उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो उसे एहसास हुआ कि वो लेट हो गई है। उसने सोचा, यहां से नोएडा तक मेट्रो बदल बदल कर गए तो और भी लेट हो जाएंगे, गौरव से कार मांगनी पड़ेगी, पर हम तो उसे गुस्सा है। कोई बात नहीं अर्पिता, मुसीबत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये तो फिर भी हमारा पति है। उसने गौरव से पूछा, आज हमें ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है, हम तुम्हारी कार ले जाएं क्या? गौरव झट से बोला, अरे मुझे मेरी कार का बैंड नहीं बजवाना, वैसे भी लड़कियों की ड्राइविंग पर मुझे भरोसा नहीं है जरा भी। अर्पिता ने तपक से जवाब दिया, अच्छा, और जब इन लड़कियों के पति शराब पीकर कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर कहीं भी गिरते पड़ते आते हैं तब ये लड़कियां कार चलाकर उन्हें घर लाती हैं, और सबसे बड़ी बात इन पतियों को कुछ याद भी नहीं रहता है, ऐसा फरामोश। गौरव ये सुनकर हैरान होकर बोला, मतलब तुम कब लाई मुझे ऐसे घर? अर्पिता बोली, पिछली बार जब मम्मी जी और पापा जी आए थे ना और तुमने हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था तब याद आया, हम बनारस जा रहे थे और तुम शराब पीकर एक पार्क में लावारिस बैग की तरह पड़े हुए थे, तब पापा जी के साथ मिलकर हम लाए थे तुम्हें तुम्हारी कार चलाकर। गौरव चौंक कर बोला, तुम? पर मम्मी ने तो कहा था कि कोई अनजान आदमी छोड़ गया था मुझे घर। अर्पिता बोली, अपने सपनों की हसीन दुनिया से बाहर आई मुंगेरी लाल जी, ये गुरुग्राम है, यहाँ ऐसे कोई अनजान आदमी घर नहीं छोड़कर जाता, और वो भी कार के साथ, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सब चोर लुटेरे हैं, बल्कि इसलिए कि कौन चोर लुटेरा निकल जाए पता नहीं। मम्मी जी से हमने बोला था कि तुम्हें सच ना बताएं, तुम पहले गिल्ट से भरे पड़े थे और जब पता चलता कि हमने तुम्हें बचाया है तो फिर तो जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर घुस जाते तुम, यकीन ना हो तो बुलाएं मम्मी जी को, उन्हीं से पूछ लेना। गौरव हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है, मान लिया मैंने तुम्हें आऊंगी, एंड आई एम सॉरी अर्पिता, मैंने बोला था तुमसे अच्छे से बिहेव करूंगा पर मैंने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया देखो, और कल रात को भी मैंने तुम्हें नाराज कर दिया था, उसके लिए भी सॉरी, तुम ले जाओ कार ठीक है। अर्पिता बोली, नहीं हमको नहीं चाहिए, अब गलती से तुम्हारी कार को कुछ हो गया तो हमें सुना सुना कर मार डालोगे, रहने दो हम कैब या मेट्रो से चले जाएंगे। ये कहकर अर्पिता वहां से जाने लगी तो गौरव बोला, अर्पिता प्लीज, अगर तुम आज कार लिए बिना चली गई तो मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज ले जाओ, पेट्रोल भराना पड़ेगा शायद, मुझे याद नहीं है कितना था। अर्पिता गौरव को छेड़ते हुए बोली, इंसान में शराब की टंकी का इंडिकेटर नहीं होता है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल की टंकी का इंडिकेटर होता है, हम देख लेंगे पेट्रोल चाहिए या नहीं। ये सुनकर गौरव कुछ नहीं बोल पाया। अर्पिता ने कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकलते हुए बुदबुदाई, गौरव तो गौरव, तुम भी कम नहीं हो बेवकूफ लड़की, एंड में ये ताना मारने की क्या जरूरत थी, बेचारे का मुंह तर गया था, पिछले जन्म में सांप और नेवला थे क्या हम बाबा जी। अर्पिता जल्दी से नोएडा के मॉल में पहुंची और पार्किंग के बाहर रुककर समर का इंतजार करने लगी। वो अपना मास्क और गॉगल्स लगाकर बोली, पार्किंग में घुसने का यही एक एंट्री पॉइंट है, समर यहीं से आएगा, उसके अंदर जाते ही उसके पीछे पीछे अंदर चले जाएंगे। तभी अर्पिता के फोन पर ऋत्विक का कॉल आया। अर्पिता ने फोन उठाया तो वो बोला, हाय ऑलरेडी फॉर टुडे। अर्पिता पार्किंग की एंट्री की तरफ ध्यान रखते हुए बोली, हाँ हाँ ऑलरेडी, बस शिकार पर नजर है। ऋत्विक चौंक कर बोला, शिकार पर नजर है मतलब तुम कहाँ हो? अर्पिता हड़बड़ाकर बोली, नजर है नहीं, नजर रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं समर पर नजर रखने की। अब बोलो तुमने क्यों फोन किया? ऋत्विक बोला, तुम ऑफिस पहुंच रही हो ना, फिर हमें निकलना भी है मॉल के लिए। अरे नहीं नहीं ऑफिस आकर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वहीं पहुंचाएंगे, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, तुम लोग यहीं मतलब वहीं मिलो हमसे। ऋत्विक कुछ बोल ही रहा था कि तभी अर्पिता को बाइक पर एक आदमी दिखा जो दूर से होली में बिल्कुल समर जैसा ही लग रहा था। अर्पिता ऋत्विक की बात बीच में काटकर बोली, अब अच्छा चलो रखते हैं हम अभी, हाँ वही बात करेंगे बाय। जैसे जैसे वो आदमी नजदीक आया तो उसकी जैकेट से अर्पिता को यकीन हो गया कि वही समर था। अर्पिता समर के पार्किंग में घुसते ही उसका पीछा करने लगी। अर्पिता समर के पीछे ही थी लेकिन तभी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग अलग होने से अर्पिता को कार दूसरी ओर घुमानी पड़ी। अर्पिता बड़बड़ाई, ओ नो ये तो निकल जाएगा, कार के लिए सुबह बिना बात गौरव के भजन सुने, इससे अच्छा तो शीना की स्कूटी लेकर आ जाते।
अर्पिता ने पार्किंग में पहुंचकर जल्दी से कार पार्क की और अपना पर्स लेकर टू व्हीलर पार्किंग की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि समर वहां नहीं था। वो बोली, जल्दी जल्दी में उसकी बाइक का नंबर भी नहीं देखा, बस उसका जैकेट ही देखते रह गए, पता नहीं कहां गया वो। अर्पिता भागते हुए लिफ्ट के पास गई। लिफ्ट बस बंद होने ही वाली थी कि अर्पिता दूर से चिल्लाई, अरे रोको लिफ्ट, लिफ्ट रोको। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर अर्पिता के कदम धीरे हो गए और तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला। अर्पिता ये देखकर फिर से भागी और झट से लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट में बहुत भीड़ थी। अर्पिता ने लिफ्ट में बैठी गार्ड से बोला, थैंक यू भैया आपने लिफ्ट रोक दी, पता नहीं फिर और कितना वेट करना पड़ता। बोलो जी, इतना बड़ा मॉल बना दिया है और लिफ्ट एक ही दी है। गार्ड अर्पिता को देखकर मुस्कुरा दिया। अपना फ्लोर आते ही अर्पिता लिफ्ट से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि उसे कुछ ध्यान आया। अरे गार्ड से ही पूछ लेते वो मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम कहां पर है, गलती हो गई। अर्पिता जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि जिस लिफ्ट से वो आई थी उसी से समर भी बाहर निकला। अर्पिता धीरे धीरे समर के पीछे चलने लगी। वो मन में बोली, इसको ढूंढ रहे थे और ये तो हमारे साथ ही था, चुपचाप इसका पीछा करते हैं। समर मॉल के कोने में पहुंचा और फिर टॉयलेट में घुस गया। अर्पिता पुटपुटाई, यही मौका है इसे पकड़ने का, अभी इस टाइम भीड़ भी ज्यादा नहीं है, रक्षा करना बाबूजी। अर्पिता ने हाथ जोड़े और अपने पर्स से चाकू बाहर निकाला। वो दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर गई। अंदर बहुत सारे दरवाजे देखकर अर्पिता मन में बोली, ये समर कौन से वाले टॉयलेट में गया होगा, यहीं खड़े होकर वेट करें या फिल्मों के जैसे हर टॉयलेट को खोलकर देखें, पर अंदर कोई और निकला तो क्या, सॉरी बोलेंगे, कह देंगे गलती से आगे। अर्पिता ने गहरी सांस ली और धीरे से पहला दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही किसी ने पीछे से अर्पिता को अंदर धक्का दे दिया। अर्पिता नीचे गिरी तो दरवाजा बंद हो गया। अर्पिता जल्दी से उठी और भाग कर दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बाहर से लॉक्ड था। अर्पिता चिल्लाई, खोलो, कौन है बाहर। अर्पिता तो चली थी शिकार करने लेकिन फंस गई अपने ही जाल में। अब क्या होगा आगे, कैसे निकलेगी वो इस मुसीबत से, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता समर को पकड़ने के लिए गौरव की कार लेकर नोएडा के एक मॉल में आई थी जहां उसने समर को झूठ बोलकर बुलाया था। बिना किसी को बताए अर्पिता ने समर को आधा घंटा पहले आने को कहा ताकि समर पकड़ में आने के बाद ऋत्विक राज और आलोक के सामने अर्पिता की शादी के बारे में ना बता पाए। अर्पिता समर का पीछा करते हुए टॉयलेट में घुस गई। वो उसे वहां ढूंढ ही रही थी कि तभी किसी ने अर्पिता को धक्का दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अर्पिता ने खुद को संभाला और चिल्लाई, खोलो, कौन है बाहर, हेल्प। अर्पिता को बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दो तीन बार दरवाजा खटखटाते हुए फिर से आवाज लगाई लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्पिता बुदबुदाई, साला फंसे भी तो टॉयलेट में, माथा खराब हुआ था हमारा जो यहाँ अकेले आ गए, अब कौन निकालेगा हम यहाँ से। अर्पिता जैसे ही पीछे घूमी तो बोली, अरे ये तो कोई कमरा है, स्टोर रूम लग रहा है, यानी वो समय हमें जानबूझकर यहाँ लाया था। अर्पिता ने फिर से दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्पिता ने फोन निकालने के लिए अपने पर्स में हाथ डाला। अब तो ऋत्विक को फोन करना ही पड़ेगा, डांट तो खाएंगे पर यहाँ से निकलना भी तो जरूरी है। फोन 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 कहाँ गया हमारा, अरे यार फोन तो जल्दी जल्दी में कार से निकाले ही नहीं हम बाबा जी, अब क्या करें, आज तो सारा दिन ही मनुष्य। अर्पिता ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, यहाँ तो ना कोई खिड़की है और ना ही कोई छेद, मजाल है चींटी भी बाहर निकल जाए, चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है। अर्पिता काफी देर तक बार बार दरवाजा खटखटाती रही लेकिन कोई नहीं आया, तो थक कर वो एक तरफ बैठ गई। तभी जमीन पर पड़ा अपना चक्कू देखकर उसे एक आइडिया आया। इस चक्कू को पेचकस की तरह इस्तेमाल करके दरवाजे की कीली खोल देते हैं सारी, बैठे बैठे किसी मदद का इंतजार करने से तो अच्छा है खुद ही कुछ कर ले। अर्पिता ने चक्कू उठाया और दरवाजे की कीले खोलने लगी। उसने बड़ी मेहनत से एक कील खोली ही थी कि तभी उसे कोई आवाज आई। अर्पिता दरवाजा खटखटाकर बोली, कौन है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलिए, हम फंस गए हैं, कोई है क्या बाहर, प्लीज हेल्प, कोई तो सुन लो। बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो अर्पिता फिर उदास हो गई। वो दुखी होकर बोली, चल फिर से कारपेंटर बन जा अर्पिता, अभी तो 11 किले और खोलने हैं। अर्पिता ने अपना हाथ ऊपर उठाया ही था कि उसे बाहर दो अलग अलग लोगों की आवाजें आईं। अर्पिता कुछ बोलती इससे पहले ही कोई उस कमरे का दरवाजा खोलने लगा। अर्पिता चौंकना होकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही अर्पिता को सामने हाथ में डंडा लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और एक सफाई करने वाला दिखा। सिक्योरिटी गार्ड बोला, कौन हो तुम, यहां स्टाफ रूम में क्या कर रही हो। थैंक यू भैया आप आ गए, वरना हमें लगा बाहर लोग शॉपिंग करते रह जाएंगे और हम यहीं मर जाएंगे, और हमने तो शॉपिंग भी नहीं किया अभी तक, हमने बाहर ध्यान ही नहीं दिया था भैया, हमें लगा ये टॉयलेट है और जल्दी जल्दी में घुस गए अंदर और फिर किसी ने हमें धक्का दे दिया और बाहर से बंद कर दिया दरवाजा, कब से खटखटा रहे हैं। अर्पिता बाहर निकलने लगी तो उसके हाथ में चक्कू देखते ही गार्ड डंडा आगे करते हुए बोला, ए चक्कू से क्या कर रही हो तुम, यहाँ फंसने की कहानी झूठी है ना तुम्हारी, चलो चक्कू नीचे फेंको, अपना मास्क हटाओ और मेरे साथ ऑफिस में चलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अर्पिता आगे आते हुए बोली, अरे भैया नकली है ये, अरे ये तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं, ये देखिए। गार्ड को लगा अर्पिता उस पर चाकू से हमला करने वाली है, इसलिए उसने सफाई वाले को बाकी गार्ड्स को बुलाने के लिए भेज दिया। अर्पिता खुद से बोली, नहीं 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 अब ये पुलिस और पूछताछ का पंगा नहीं पाला हमें, वहां वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें भागना पड़ेगा। अर्पिता ने चक्कू वहीं फेंका और गार्ड को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और भागते हुए बोली, सॉरी भैया ये चक्कू रख लो पर हम नहीं रुक सकते, इमरजेंसी है। अर्पिता वहां से भागी और मॉल में एक खंभे के पीछे छिप गई। अर्पिता ने छिपकर देखा कि गार्ड उसे ढूंढ रहा था। अर्पिता गार्ड से बचने की कोशिश कर रही थी तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्पिता घबराकर पीछे घूमी तो देखा वहां राज खड़ा था। वो अपना जैकेट उतारकर अर्पिता को देते हुए बोला, ले जल्दी से पहले अपना मास्क और गॉगल्स हटा और ये बाल खोले, अब क्या कर दिया तूने जो सिक्योरिटी वाले तेरे पीछे पड़े हैं, और फोन क्यों नहीं उठा रही इतनी देर से, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, समय भी नहीं मिल रहा है हमें, शायद आया ही नहीं वो यहां पर। अर्पिता बोली, सब बता दिया तुमने, पहले पार्किंग में चलो और वहां बाकी सबको भी बुला लो। राज ने बाकी सभी को फोन करके पार्किंग में आने के लिए कह दिया। अर्पिता पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंची और कार देखकर चौंकते हुए बोली, हो गया स्यापा। राज बोला, ये तेरी कार है क्या। अर्पिता रोनी जैसा मुंह बनाकर बोली, नहीं पर काश हमारी होती। राज हैरान होकर बोला, तू पागल वागल है क्या, इस कार की हालत देख लिया है, सब टूटा फूटा पड़ा है, ऐसी कार के लिए कौन बोलता है कि काश मेरी होती, हमारे दोस्त की कार है, मांग कर लाए थे, उसको क्या बोलेंगे अब हम कि ये कांच कैसे टूटा, बाबा जी हम मुसीबतों के फेवरेट क्यों है। तभी ऋत्विक और आलोक भी वहां पहुंच गए और कार की हालत देखकर ऋत्विक बोला, तुम ठीक हो अर्पिता, तुम्हें चोट तो नहीं आई, किसने किया ये और ये कार किसकी है। अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया। अर्पिता ने आवाज सुनकर कार में से अपना फोन निकाला।
मैसेज प्राइवेट नंबर से था। मैसेज पढ़कर अर्पिता वहीं अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। आलोक ने अर्पिता के हाथ से फोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। अर्पिता तुमने मेरे साथ चाल चली, लेकिन तुम भूल गई कि तुम्हारे हर कदम पर नजर है मेरी। कार का कांच तो सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए तोड़ा है कि चालाकी और बेईमानी बर्दाश्त नहीं है मुझे, बाकी तुम तो जानती हो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुई तो अगली बार इस कार को चलाने वाले को भी चोट लग सकती है, और क्या पता वो मर भी जाए। तुम्हें तो पता है आए दिन कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, तो जल्दी से आ जाओ मुझसे मिलने। राज बोला, इसका मतलब समझ यहाँ आया था और हमें लगा वो यहाँ आया ही नहीं है, पर उसे हमारा प्लान कैसे पता चला? हमारी वजह से। तेरी वजह से? पर कैसे? राज ने चौंक कर कहा। अर्पिता बोली, समझ जब यहाँ पहुंचा तब हमने उसे दिखा और उसका पीछा किया। हमें नहीं पता था कि हम एक ही लिफ्ट में थे, तब हमारी आवाज सुनकर उसने पहचान लिया हमें। वो स्टाफ रूम में घुसा और हम जल्दी जल्दी में उसे टॉयलेट समझकर उसके पीछे चले गए। हमें लगा हम पकड़ लेंगे उसे, पर उसने तो बाजी ही पलट दी, हमें रूम में लॉक करके भाग गया। राज बोला, तो हमें क्यों बुलाया तूने, किसी को तो फोन करती। अर्पिता बोली, अरे तुम्हारी आंखें हैं बटन, अभी तुम्हारे सामने हमने कार से निकाला फोन अपना, जल्दी जल्दी में यहीं छूट गया था। वहां स्टोर रूम में हम शाहरुख खान के साथ बंद थोड़ी ना थे, जो फोन होते हुए भी तुम्हें फोन नहीं करते। ऋत्विक गुस्से में बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने समय को। अर्पिता बहुत हो गया, अब हमें पुलिस को बताना ही पड़ेगा। He is a dangerous man. दिन ब दिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम कंप्लेन लिखवाएंगे। अर्पिता बोली, अरे तुमको समझ क्यों नहीं आता है, पुलिस के पास जाते ही सब खत्म हो जाएगा, और हमारे पास सबूत ही क्या है समर के खिलाफ? ये मैसेजेस सब प्राइवेट नंबर से हैं, जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। अरे पुलिस पकड़ेगी किसको? वो समर इतना बड़ा कांड करके भी बेल लेकर मजे से बाहर घूम रहा है, फिर हम बिना सबूत के क्या बिगाड़ेंगे उसका? और उसका दिमाग फिर गया ना, तो वो हमारा सीक्रेट आउट कर देगा, और अब तो वो सबकी जाने की धमकी भी देने लगा है। हम पुलिस के पास जाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमें अपने दम पर ही सब सुलझाना होगा। ऋत्विक बोला, तो अब क्या तुम उससे मिलने जाओगी? वो हमें नहीं पता अभी, पहले हमें ये कार सही करवानी, वरना हमारे दोस्त को क्या मुंह दिखाएंगे, उसने बहुत भरोसा करके हमें अपनी कार दी थी। राज बोला, डोंट वरी, मैं सही करवा दूंगा, इसका इंश्योरेंस है। अर्पिता हाँ बोलते बोलते रुक गई, वो सोचने लगी, कार इंश्योरेंस से सही करवाई तो गौरव को पता चल जाएगा। सुबह ही उसने बोला था कि हमारी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं उसे, और आज ही ये कांड हो गया। उसे बोला कि कोई आकर तोड़ गया है तो वो मानेगा नहीं। बाबा जी क्यों हम पर ये जुल्म ढा रहे हो आप? अर्पिता बोली, पता नहीं, तुम इंश्योरेंस को गोली मारो ना, हम पैसे दे देंगे कांच सही करवाने के, तुम अपने किसी जानकार मैकेनिक के पास ले चलो, आज ही सही करवाना पड़ेगा। अर्पिता राज के साथ मैकेनिक के पास चली गई और ऋत्विक आलोक के साथ ऑफिस। अर्पिता मैकेनिक के पास पहुंची तो मैकेनिक बोला, मैडम ये वाला कांच तो अभी हमारे पास नहीं है, मंगवा कर लगाना पड़ेगा, आप दो दिन बाद गाड़ी ले जाना। अर्पिता चौंक कर बोली, दो दिन बाद? भैया इंसानों वाला लाइसेंस भूतों में भी चलता है क्या, या उनका अलग बनवाना पड़ता है? मैकेनिक हैरानी से अर्पिता को देखने लगा, तो वो बोली, जिसकी कार है ना वो मार डालेगा हमें, इस कार के बिना घर नहीं जा सकते हम, प्लीज चाहे तो रात तक ही सही कर दीजिए, पर आज ही कर दीजिए। मैकेनिक बोला, मैडम अगर कांच अर्जेंट से मंगवाऊंगा तो भी आज शाम तक आ पाएगा, फिर उसको चिपका कर रखने के लिए 24 घंटे चाहिए, तो कल शाम से पहले तो कार नहीं दे पाऊंगा। अर्पिता राज को देखने लगी तो वो भी बोला, इससे जल्दी तो कहीं नहीं होगा यार, तू एक काम करना, जब तक ये सही होती है तू मेरी कार ले जा, फिर कल रात को रिपेयर होने के बाद अपनी दोस्त की कार घर ले जाना, और परसों सुबह मेरी कार वापस ले आना, सिंपल। अर्पिता बड़बड़ाई, घर में एक कार तो चाहिए, गौरव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जरूरत पड़ जाए तो? एक और झूठी कहानी के लिए तैयार हो जा अर्पिता। अर्पिता की कार को मैकेनिक के पास छोड़कर अर्पिता और राज ऑफिस चले गए। अर्पिता ऑफिस में थी तभी गौरव का फोन आया, वो घबरा कर बोला, अर्पिता अर्पिता माँ और तुम्हारी माँ को करंट लग गया है, वो बेहोश हो गई है, मैंने एम्बुलेंस बुलवाई है, तुम अभी ऑर्बिट हॉस्पिटल पहुंचाओ प्लीज। अर्पिता ने जैसे ही ये सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, वो बस इतना ही बोल पाई, क्या हम अभी आते हैं। पहले से ही परेशान अर्पिता को मिली है एक और बैड न्यूज, क्या सच में अर्पिता मुसीबतों की फेवरेट है? कैसे संभालेगी अर्पिता खुद को इस मुसीबत की घड़ी में? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल महूजा की सीक्रेट लाइन। गौरव ने अर्पिता को फोन पर बताया कि उसकी माँ करंट लगने से बेहोश हो गई है, और गौरव उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। उसने कहा कि अर्पिता ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच जाए। अर्पिता ने फोन रखा और अपना पर्स उठाकर सीधे ऋत्विक के कैबिन की तरफ भागी। वो बिना दरवाजा खटखटाए कैबिन में घुसी और घबराते हुए बोली, हम निकल रहे हैं, आलोक को बोल देना बाकी का शो वो करेगा, कुछ बहुत अर्जेंट है। अर्पिता जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी ऋत्विक उठकर उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ अर्पिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया क्या? अर्पिता बोली, माँ को करंट लगा है, ऋत्विक को बेहोश हो गए हैं, उनको ऑर्बिट हॉस्पिटल लेकर गए, पता नहीं क्या होगा, हमें जल्दी उनके पास जाना है। अर्पिता ने हड़बड़ाहट में ऋत्विक को सब बता दिया। ऋत्विक अपने टेबल की ड्रॉर से अपनी कार की चाबी निकालते हुए बोला, चलो तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। अर्पिता ऋत्विक के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में अर्पिता जो बैठी रही वो बस ये सोचे जा रही थी कि उसकी माँ ठीक हो। वो अचानक से बड़बड़ाई, जरूर गीले बाथरूम में गीजर का बटन बंद कर रही होंगी, कितनी बार बोला है उनको बाथरूम सूख जाए तब बंद कर दिया करो, लेकिन मानती नहीं है, हमेशा बिजली का बिल बचाने में लगी रहती है, पता नहीं 100 रुपए बचाकर कौन सी जायदाद इकट्ठा कर लेंगी। अर्पिता को परेशान देखकर ऋत्विक बोला, अर्पिता चिंता मत करो कुछ नहीं होगा आंटी को, वैसे उन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया है? अर्पिता बोली, वो घर पर गो। अर्पिता बोलते बोलते चुप हो गई, उसने सोचा ये घबराहट में क्या बोलने वाली थी, माँ की चिंता में भूल गई कि हॉस्पिटल में गौरव भी होगा, वहाँ ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ऋत्विक को बाहर से भेजना पड़ेगा। ऋत्विक बोला, क्या हुआ, क्या सोचने लग गई, फिर से टेंशन ले रही हो, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तुम बस ये सोचो कि वो ठीक होंगी, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। अर्पिता बस हम बोलकर चुप हो गई। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची अर्पिता कार से उतरकर बोली, थैंक यू हमें यहाँ छोड़ने के लिए, बाय। ऋत्विक बोला, क्या बाय, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे में तुम्हें अकेले थोड़ी छोड़ूंगा। अर्पिता बोली, अरे इट्स ओके, मैं संभालूंगी यहाँ पर, तुम जाकर ऑफिस संभालो, तुम्हें एमओयू का काम भी करना है ना। ऋत्विक बोला, अर्पिता तुमने मेरी मॉम के लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, राज देख लेगा ऑफिस में सब, और तुम ये सब मत सोचो अभी, बस अपनी माँ के बारे में सोचो, चलो तुम हॉस्पिटल के अंदर चलो, मैं कार पार्क करके आता हूँ अभी। ऋत्विक ये कहकर वहां से चला गया। अर्पिता बोली, वो ब्लैक मिरर हमें जिस बात से डरा रहा था वो तो आज वैसे भी हो जाएगी, गौरव और ऋत्विक आपस में मिलेंगे, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, पापा जी वैसे ठीक ही है, जब सच बाहर आ जाएगा तो आज उस ब्लैक मिरर से भी पीछा छूट जाएगा।
लेकिन यहाँ तो अभी मम्मी जी भी होंगी। गौरव हमसे नाराज हो जाएगा और मम्मी जी भी गुस्सा हो जाएंगी। ऐसे में माँ को संभालेंगे या गौरव और मम्मी जी को मनाएंगे? बाबा जी कैसे फंसे हैं हम। जो होगा देख लेंगे, अभी माँ को हमारी ज्यादा जरूरत है। अर्पिता जल्दी से अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, सुमन देवी अभी कुछ देर पहले एडमिट करवाया है। रिसेप्शनिस्ट बोली, वो करंट वाला केस ना? अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रिसेप्शनिस्ट बोली, अभी उन्हें आईसीयू में लेकर गए हैं, एकदम सीधे जाकर लेफ्ट। अर्पिता आईसीयू के बाहर पहुंची तो वहां अपनी सास को देखकर बोली, मम्मी जी माँ कैसी हैं? निर्मला बोली, डॉक्टर देख रहे हैं अभी, तुम चिंता मत करो अर्पिता, कुछ नहीं होगा बहन जी को, वो तो खुद बिजली सी हैं, करंट का बिगाड़ेगा उनका। अर्पिता बोली, इस वक्त भी आप माँ के लिए ऐसे बोलेंगी मम्मी जी? निर्मला बोली, अरे तुम गलत समझ ली हो, हमारा वो मतलब नहीं था, हमारा मतलब तो था कि बहुत फुर्ती और ताकत है ना उनमें, कुछ नहीं होगा उनको, वो तो झटका लगने से बेहोश हो गई, वो ठीक हो जाएंगी। अर्पिता ने निर्मला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर कुछ देखकर बोली, मम्मी जी गौरव कहाँ है, वो भी आए थे ना? निर्मला बोली, वो तो बहुत बोला था कि वो साथ आएगा, पर हमने नहीं आने दिया, हमको लगा कि वो कुछ मदद तो कर नहीं पाएगा, उल्टा हमें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग तुम्हारी माँ को देखेंगे कि गौरव को, इसलिए उसको घर ही छोड़ आए हैं। वो अटेंडेंट राजू को फोन कर दिया था घर आने के लिए, वो एक महीने तक के लिए पैसा लिया है ना, तो काम तो लेंगे, तुम ना जाने काहे हटा दिए उसको। अर्पिता बोली, आप लोग उसे कुछ करने तो देते नहीं थे, फिर क्या उसको जबरदस्ती सुबह शाम को खाना खाने के लिए बुलाते? निर्मला बोली, हाँ तो हम दो लोग कर रहे थे ना काम, पर तुम्हारी माँ तो कुछ कर नहीं पाएंगी तो बुला लेना राजू को, हमसे अकेले सब काम नहीं हो पाएगा। अर्पिता ने ठीक है बोला और सोचने लगी, हमने तो सोचा था आज सच बाहर आ जाएगा, पर यहाँ तो गौरव नहीं आया है। बाबा जी हमने तो मान लिया था कि जो होगा वो देखेंगे, पर गौरव का नहीं आना, कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं? इशारा ये कि ये बात अभी बाहर नहीं आनी चाहिए। वैसे ठीक भी है, सबको सच आराम से बताएंगे ताकि सबको झटका कम लगे। अर्पिता अपनी सास से बात कर ही रही थी कि तभी ऋत्विक वहां आ गया। वो आकर अर्पिता और उसकी सास के पास खड़ा हुआ तो निर्मला हैरानी से उसे देखने लगी। अर्पिता बोली, मम्मी जी ये मेरे कोलीग हैं, यानी ऑफिस में काम करते हैं, मुझे हॉस्पिटल यही लेकर आए हैं। ऋत्विक अर्पिता के मुंह से मम्मी जी शब्द सुनकर हैरान तो हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने हाथ जोड़कर निर्मला को नमस्ते किया तो निर्मला नमस्ते बोलकर ऋत्विक को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगी। अर्पिता बुदबुदाई, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन की जगह इनको बैठा देना चाहिए, एक्सरे के साथ साथ इंसान की कुंडली भी निकाल कर दे देंगी। निर्मला बोली, क्या बोले तुम, कुछ एक्सरे के लिए बोल रही हो? अर्पिता बोली, अब कुछ नहीं, बस सोच रहे थे करंट लगने पर एक्सरे भी करते हैं क्या? ऋत्विक बोला, अगर कहीं चोट लगी होगी तो कर सकते हैं, अभी तो ये चेक करेंगे कि उनके सारे ऑर्गन्स काम तो कर रहे हैं ना। निर्मला बोली, तुम डॉक्टर ही करे हो का? नहीं आंटी, बस थोड़ा आइडिया है इसलिए बता रहा हूँ। निर्मला बोली, अच्छा अच्छा, सब पता है तुमको, तो हमको लगा डॉक्टर होंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ऋत्विक ने नाम बताने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अर्पिता बोली, मम्मी जी आपने चाय कॉफी कुछ लिया? वो देखिए वो मशीन है ना, उसमें से फ्री में चाय कॉफी निकलती है। निर्मला आश्चर्य से बोली, फ्री में? सच बताओ अर्पिता? अर्पिता बोली, और नहीं तो क्या, आपसे झूठ बोलेंगे? चलिए आपको बताते हैं कैसे निकालना है मशीन से चाय, फिर जब आपका मन होना तब पीते रहिएगा, अस्पताल का मामला है, पता नहीं कितनी देर लगे। अर्पिता निर्मला को मशीन के पास लेकर गई और उसे सब समझाकर वापस ऋत्विक के पास आ गई। ऋत्विक बोला, तुम उन्हें मम्मी जी क्यों बोल रही हो? एक बहुत पुरानी फ्रेंड की मम्मी है ये, हमारी बिल्डिंग में रहती है, मेरी फ्रेंड उन्हें मम्मी जी बोलती है, इसलिए हम सभी फ्रेंड्स भी बचपन से इन्हें मम्मी जी बोलते हैं, एकदम मम्मी जैसी है आंटी इसलिए। ऋत्विक अभी कंफ्यूज दिख रहा था तो अर्पिता बोली, पंजाबी है ये, पंजाबी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मम्मी जी पापा जी पा जी। ऋत्विक बोला, ओह राइट राइट, वैसे यू आर वेरी लकी, तुम्हें एक ही जन्म में दो सॉरी तीन मदर्स मिल गई, एक मेरी मम्मी तो है। अर्पिता मुस्कुराकर बोली, हाँ वो तो है, पर तुम मत चले जाना मम्मी जी की ममता पर, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऋत्विक बोला, कैसी दिक्कत? एक्चुअली मम्मी जी की छोटी बेटी की ना शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो थोड़ी साइको है ना, उसको नहाने का बहुत शौक है, दिन में कोई 15 बार नहाती है, और खुद तो नहाए तो नहाए, जो साथ रहता है उसको भी जबरदस्ती नहलाती है सर्दियों में भी। मम्मी जी बस इसलिए कोई लड़का देखकर ना उसकी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है। तुम्हारा नाम भी इसलिए पूछ रही थी वो, लेकिन तुम किसी भी हालत में मत बताना उन्हें अपना नाम, वरना अपने आप तुम्हारे नाम से कुंडली मिला लेंगी तुम्हारी और अपनी बेटी की, और फिर शादी के पीछे पड़ जाएंगी। अब तुम्हारी जैसा सुंदर और सुशील लड़का ऐसी लड़की तो डिजर्व नहीं करता ना, इसलिए उन्हें बीच में ले गई मैं यहां से। ऋत्विक बोला, ऐसी नहीं तो फिर कैसी लड़की डिजर्व करता हूं मैं? अर्पिता मन में बोली, लो अब ये भी बताओ इन्हें, बस यही है लड़कों का, लड़की की बात की नहीं कि जाग गए इनके अरमान। अरे हम तो तुम्हें अपनी सास से दूर रखने का जुगाड़ बैठा रहे हैं यार, मैच मेकिंग करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर। अर्पिता कुछ बोलती इससे पहले आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकला और बोला, सुमन देवी के साथ कौन है? अर्पिता भागकर उनके पास गई, सर मैं हूँ उनकी बेटी, कैसी है माँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर बोला, फॉर्चुनेटली उन्हें टाइम पर ले आए, इसलिए कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होने से बच गई है, हमने सारे टेस्ट और चेकअप कर लिए हैं, शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी वो, बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ, बस उनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है इसलिए उन्हें सलाइन चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें रात तक घर वापस ले जा सकते हैं और अभी जाकर मिल भी सकते हैं आप उनसे। अर्पिता ने डॉक्टर से थैंक यू कहा और फिर हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू सो मच बाबा जी, हमारी माँ को बचा लिया आपने, कल ही आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। ऋत्विक बोला, थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी खिला देना। अर्पिता मुस्कुराई और बोली, जरूर, और तुम्हारे लिए तो अलग से और मिठाई भी लेंगे। अच्छा तुम रुको, हम माँ से मिलकर आते हैं, ओके? कुछ देर बाद ऋत्विक बोला, अर्पिता आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू गो, घर पर मॉम अकेली हैं, उनका फोन आया कि उनकी हार्ट की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, मैंने ऐप्स पर ट्राई किया लेकिन आसपास किसी भी मेडिकल शॉप पर उनकी वाली मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लेकर जानी पड़ेगी। तुम घर कैसे जाओगी? अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे हो, हम तो कब से बोल रहे हैं तुम जाओ, पर तुम मानती नहीं हो, हम क्या बुला लेंगे, डोंट वरी। ऋत्विक बोला, नहीं माँ को कैब से मत लेकर जाना, राज का फोन आया था, उसने ऑफिस में ही छोड़ी अपनी कार तुम्हारे लिए, मैं अभी ड्राइवर को बोलकर राज की गाड़ी यहाँ हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अर्पिता मना करती उससे पहले ऋत्विक ने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी हॉस्पिटल लेकर आने के लिए बोल दिया, वो वहां से निकला और बाद में माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अर्पिता भी उन्हें और अपनी सास को घर ले आई। माँ को ऊपर ले जाकर अर्पिता ने उन्हें उनके कमरे में सुला दिया। सब कुछ सेटल होने के बाद गौरव बोला, अर्पिता तुम कार किसके लिए कराई हो और हमारी कार कहाँ है? गौरव के इस सवाल का क्या जवाब देगी अर्पिता, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।
अर्पिता की माँ को करंट लगा था, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अर्पिता जब रात को उन्हें घर लेकर लौटी तो गौरव ने उससे अपनी कार के बारे में पूछा। अर्पिता, ये तुम किसकी कार लेकर आई हो और हमारी कार कहाँ है? अर्पिता घबराहट में झूठी मुस्कान के साथ बोली, तुमने देख लिया, हम तुम्हें बताने वाले थे, बस माँ को लेटा कर बता ही रहे थे, वो ये कार हमारी कुली की है। गौरव बेचैनी में बोला, और हमारी कार? अर्पिता बोली, अरे तो बता तो रहे हैं, इतना काहे को बुला रहे हो? हां हमने तुम्हारी कार बेच थोड़ी ना दी है, आज हम सुबह तुम्हारी कार लेकर पहले दिल्ली गए थे, फिर वहां पता चला कि आगे नोएडा भी जाना पड़ेगा, तो हमारा मैनेजर बोला कि दो कार को पेट्रोल क्यों चलाना, इसलिए हम उसी की कार में नोएडा चले गए। वहां थे तभी तुम्हारा फोन आ गया, तो पहले दिल्ली जाकर आते तो लेट हो जाते ना, इसलिए मैनेजर ने अपनी कार दे दी हमें। ये सुनते ही अचानक से निर्मला बोली, पर तुमको तो कुली छोड़ने आया था ना अस्पताल? गौरव हैरान होकर बोला, कुली? अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले निर्मला फिर बोली, हाँ अर्पिता बोली थी कि उसका कुली है, साथ में काम करते हैं दोनों। अर्पिता हंसते हुए बोली, अरे मम्मी जी कुली नहीं कोलीग, गौरव मम्मी जी हमारे मैनेजर के लिए बोल रही हैं, जिनकी कार हम लाए हैं, वो भी हमें हॉस्पिटल छोड़ने आए थे, हम तो माँ के बारे में सुनकर घबरा गए थे ना बहुत ज्यादा, तो रास्ते में कहीं भीड़ जाते इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो बोले कि हम माँ को घर कैसे लेकर जाएंगे, तो अपनी कार हमारे पास ही छोड़ गए, उन्हें किसी अर्जेंट काम से जाना था वरना वही छोड़ देते हमें घर। निर्मला शिकायती अंदाज में बोली, हाँ काम तो भले का ही किया था उस लड़के ने, पर वो थोड़ा अजीब था, जैसे ही हम उससे बात करने लगे उसको कुछ ना कुछ काम याद आ जाता था, बात ही नहीं की उसने हमसे ठीक से। मम्मी जी मैनेजर है वो, उसे लाखों काम होते हैं, ऊपर से वो हमें अचानक छोड़ने आ गया, घर वालों से भी तो बातचीत करेगा ना। अरे आप तो ऐसी शिकायत करिए जैसे आपकी कोई बरसों पुरानी सहेली हो, वो शादियों में रूठे फूफा की तरह बर्ताव मत करिए। निर्मला ने ये सुनकर मुंह बनाया तो गौरव बोला, अर्पिता ये सब तो ठीक है, पर मैंने बालकनी से देखा था, काफी बड़ी गाड़ी है उनकी, तुम ठीक से चलाकर लाई हो ना, देखो किसी और की गाड़ी है, कुछ होना नहीं चाहिए, और अब हमारी गाड़ी भी ऐसी खड़ी होगी वहाँ, चोरी होगी तो? अर्पिता बोली, चिंता मत करो सर, दिल्ली में रहते हैं, हमारी कार उनके घर के आसपास ही है, वो आएंगे वहाँ से, कल वो तुम्हारी गाड़ी आएंगे ऑफिस और हम उनकी गाड़ी जाएंगे, और गाड़ी बहुत अच्छे से चलाकर आए हैं हम, मम्मी जी से पूछ लो, बताइए ना मम्मी जी कैसे चलाई थी हमने कार। अर्पिता की पहली वाली बात से नाराज निर्मला मुंह फुलाकर बोली, हम तो रूठे हुए फूफा है ना, काहे बताएं, गौरव ऐसी चलाई गाड़ी तेरी पत्नी ने कि हम तो बाल बाल बच गए, इधर टक्कर उधर टक्कर, हम तो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बोलते हुए आए हैं बेटा, हमारे लिए नहीं रास्ते में चल रहे बाकी लोगों के लिए। गौरव समझ गया था कि निर्मला चिढ़कर ये बात बोल रही है, इसलिए मुस्कुरा दिया। अर्पिता बोली, अच्छा गौरव वो माँ को करंट कैसे लगा? गौरव बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बस बाथरूम में माँ के चलाने की आवाज आई थी, मैं तो धीरे धीरे जब तक वहाँ पहुंचा तो वो बेहोश थी और मम्मी उन्हें पकड़ कर बैठी थी, बस उन्हें ऐसे देखकर मैंने पहले तो एम्बुलेंस को बुलाया और फिर तुम्हें। निर्मला बोली, हम पहुंचे तब बहन जी गीजर के बटन से चिपकी हुई थी, हम पहले कपड़े धोने वाले डंडा से मारे और फिर गिरकर बेहोश हो गई वो। अर्पिता बोली, हमें लगा था ऐसे ही कुछ हुआ होगा, कितनी बार समझाया है पर हमारी सुने तब ना, लेकिन अब इनको हमेशा याद रहेगा कि गीले आंगन में बिजली के बटन को हाथ नहीं लगाना है। सुमन बोली, हाँ तुम दोनों सास बहु बोल लो, हमारे लिए कुछ भी, हम बीमार हैं तो ये नहीं कि दो प्यार के बोल बोले, सास डंडे से मारकर खुश हो रही है और बहु ताने मारकर, हमको नहीं रहना यहाँ, गौरव जी हमारा तो बनारस का टिकट करवा दो आप। अर्पिता बोली, वाह बोल तो ऐसे रही है जैसे करेंट भी हम सास बहु मिलकर मारियो तुमको, बस अपनी गलती मत मानना। सुमन बोली, अरे पर हमारी गलती नहीं है, हम तो। सुमन अपनी बात पूरी करती तभी बीच में गौरव बोला, माँ आप आराम करो, अर्पिता को तो आपको पता ही है दिन भर इसकी किटकिट चलती रहती है, अर्पिता चलो बाहर चलो। गौरव अर्पिता को बाहर लेकर गया तो अर्पिता बोली, तुम माँ की साइड ले रहे हो, देखा नहीं एक गलती से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, आज कुछ हो जाता माँ को तो। गौरव बोला, अरे शांत हो जाओ, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल से आई है, आज आराम करने दो, कल समझा लेना, इनफैक्ट तुम्हारे साथ मैं भी समझाऊंगा उन्हें। अचानक से अर्पिता की नजर वहीं खड़े अटेंडेंट राजू पर गई जो उनकी बात सुन रहा था। अर्पिता चौंक कर बोली, आप गई नहीं अभी तक? राजू मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मैडम पिछली बार आपने ही बोला था आप जो बोले वही करूं वरना आप कंप्लेन कर दोगे, आपने अभी जाने के लिए नहीं बोला ना। गौरव ये सुनकर हंसने लगा तो अर्पिता सक पकाते हुए बोली, अब जाइए और अब इस पूरा महीना आना है आपको, छुट्टियां खत्म। हाँ राजू ठीक बोलकर वहां से निकल गया तो अर्पिता मन में बोली, आज तो आपने बहुत रक्षा की है बाबा जी, माँ को बचा लिया और गौरव के गुस्से से हमें भी, बस अब कल ठीक होकर इसकी कार भी मिल जाए। अगले दिन अर्पिता ऑफिस में रिकॉर्डिंग रूम में थी तब उसके फोन पर ब्लैकमेलर का फोन आया, अर्पिता प्राइवेट नंबर देखकर घबरा गई, वो खुद से बोली, पापा जी ये मुसीबत कैसे दूर होगी हमारी, शनि भगवान जैसे पीछे पड़ गया हमारे। नहीं अर्पिता ये डर तुमको उस समय को नहीं दिखाना है, वो यही तो चाहता है, डराकर अपनी बात मनवाना चाहता है तुमसे, अभी तो वो मिली बुला रहे हैं, पता नहीं मिलकर क्या करेगा, उसको समझा देंगे हम कि हम उसकी इन धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। अर्पिता फोन उठाती बोली, हमें रूम में लॉक करके फिर हमारी कार का कांच तोड़कर बहुत हीरो बन रहे हो तुम, तोड़ फोड़ में होंगे तुम पीएचडी, पर हमें कोई मलूता पीएचडी स्पेशलिस्ट है, हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ पाओगे। ब्लैकमेलर बोला, तुम्हारे इसी बेबाकपन और हिम्मत ने ही तो जादू किया है मुझ पे, पर मुझे ये सब मत दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं गुस्सा भी हूं तुमसे, तुम्हारे बाहर वाले पति ऋत्विक पर हमला किया तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे घर पर नेकलेस भेजा फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, फिर तुम्हारी कार का कांच तुड़वा कर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, किस मिट्टी की बनी हो तुम, वो क्या बोलते हैं लोग, तुम्हें क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी माँ ने, अरे माँ से याद आया कैसी है वो, करंट ज्यादा तेज तो नहीं लगा उन्हें। अर्पिता चौंक कर बोली, 24 घंटे के लिए जासूस छोड़ रखे क्या हमारे पीछे, हम क्या खाते हैं क्या करते हैं कहां जाते हैं किसके साथ रहते हैं सब पता है तुम्हें, पर तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं हमारी माँ से दूर रहना। ब्लैकमेलर बोला, अर्पिता मैं तो दूर ही था बेबी, पर कल रात को सबने मिलकर डांटा तुम्हें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम्हें कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सबक तो सिखाना था ना, पर मेरी अर्पिता की माँ थी वहाँ इसलिए थोड़े में ही छोड़ दिया मैंने उन्हें, ट्रस्ट मी तुम्हारी माँ को मारना नहीं था मुझे, वरना वो रोज सुबह घूमने जाती है तब भी तो कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ अच्छा तुम उनका ध्यान रखना ओके, और जल्दी बताना कब मिल रही हो। ब्लैकमेलर ने ये बोलकर फोन काट दिया। अर्पिता तो जैसे समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, वो खुद से बोली ये क्या बोल रहा है ये सब, इसे कैसे पता चला कि सबने हमें डांटा था, मतलब
उस नेकलेस वाले पार्सल में माइक का कैमरा लगा था शायद। तो क्या इसने किया ये सब? लेकिन कैसे? बाहर बैठे बैठे घर में करंट कैसे लगवा सकता है ये? पता नहीं ये सच बोल रहा है या बस हमें डराने के लिए कुछ भी बोल रहा है। कोई आया था क्या कल घर पर? गौरव से पूछते हैं। अर्पिता गौरव का नंबर मिलाने लगी लेकिन बीच में रुक गई। नहीं, उससे ये सब पूछेंगे तो उल्टा वो हमसे सवाल करने लगेगा कि हम क्यों पूछ रहे हैं ये सब उससे। बिल्डिंग के गार्ड से पूछते हैं, उसके पास एंट्री करनी होती है सबको पहले। अर्पिता ने गार्ड को फोन मिलाया, वो बोली हेलो भैया, 802 वाली अर्पिता सक्सेना बोल रही हूं। कल कोई बाहर वाला आया था क्या हमारे घर? गार्ड ने रजिस्टर में चेक करके कहा हां मैडम, प्लंबर आया था दोपहर 12:30 बजे। अर्पिता ने फोन काटा और बताई, इसका मतलब समझ सच बुरा था, उसी की वजह से माँ की ये हालत हुई है और हम बेचारी माँ की गलती बताई जा रहे थे। घर में किसी को भी करंट लग सकता था। ये आदमी बिल्कुल पागल है, हमने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी पर वो हमसे प्यार में पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कैसे रोके हम? उससे मिले क्या? पर हमें सच में उसका इरादा नहीं पता है। ये प्यार व्यार सब नाटक हुआ हमें फंसाने के लिए, तो क्या पता हमें मारने या हमारे साथ कुछ बुरा करने के लिए बुला रहा हो। तो लेकिन हम नहीं गए तो वो अपने पागल पर रोज किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाता रहेगा, और अगर सच में किसी की जान ले ली उसने तो क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा है। अर्पिता को सोचते हुए घबराहट से पसीना आने लगा। उसने पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला लेकिन उसके कांपते हुए हाथों से बोतल नीचे गिर गई और पानी रेडियो कंसोल पर गिर गया। ये देखकर अर्पिता और घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। ये जानकर कि समर की वजह से उसकी माँ की जान भी जा सकती थी, अर्पिता हो गई है बहुत परेशान। वो इस कश्मकश में है कि खुद का सीक्रेट बचाने के लिए कहीं उसको अपने लोगों की जान की कीमत न चुकानी पड़े। ऐसे में अब क्या करेगी अर्पिता? क्या वो जाएगी समर से मिलने? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। ब्लैकमेलर ने अर्पिता को फोन पर बताया कि उसने ही अर्पिता के घर में किसी को भेजकर बाथरूम में गीजर की वायरिंग खराब की थी जिससे अर्पिता की माँ को करंट लगा था। ये सुनकर अर्पिता बहुत घबरा गई थी। वो समय रिकॉर्डिंग रूम में थी। घबराहट में पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर रेडियो कंसोल पर गिर गई। ये देखकर अर्पिता घबराहट में जोर जोर से रोने लगी। तभी आलोक रिकॉर्डिंग रूम में आया और अर्पिता को इस हालत में देखकर बोला, अर्पिता क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है? आलोक ने जैसे ही अर्पिता का हाथ पकड़ा तो वो चौंककर बोला, अरे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे थे, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अर्पिता आलोक का हाथ पकड़कर बोली, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है बहुत और हमारे हाथ से पानी की बोतल छूटकर कंसोल पर गिर गई है, ये खराब तो नहीं हो जाएगा ना? आलोक बोला, अरे कुछ नहीं होगा, तू चिंता क्यों करिए, मशीन ठीक हो जाएगी, मैं अभी मेडिकल किट से बीपी चेक करने की मशीन लाता हूं, तू बैठ यहीं पर। आलोक वापस लौटा तो उसके साथ ऋत्विक भी था। आलोक ने अर्पिता का बीपी चेक किया और बोला, अरे तेरा बीपी तो बहुत लो है, घबराहट तो होगी ना तुझे? ऋत्विक बोला, मैं कैंटीन से कॉफी लेकर आता हूं अभी, आलोक तू यहीं बैठ अर्पिता के पास। आलोक बोला, तेरी शक्ल देख अर्पिता से ज्यादा तू घबराया हुआ लग रहा है, तू यहां बैठ, मैं जाता हूं। आलोक गया तो ऋत्विक अर्पिता के हाथों को मसलते हुए बोला, अर्पिता तुम्हारी मां ठीक है ना? अर्पिता ने रोते हुए गर्दन हिलाकर हां में जवाब दिया तो ऋत्विक बोला, फिर क्या हुआ, कोई टेंशन है तुम्हें, समझ की बताओ मुझे, हमारा बीपी तो कम हो रहा है लेकिन तुम अपना बीपी कहीं बढ़ा रहे हो, तुम्हें हमेशा हंसते और लड़ते ही दिखा है, ऐसे देखकर थोड़ा टेंशन में हूं। ऋत्विक कल माँ को करंट अपने आप नहीं लगा था, सब उस समय नहीं किया था, वो मेरे घर तक घुस आया है, तुमने सही कहा था वो पागल है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऋत्विक बोला, अर्पिता मैं शुरू से पुलिस कंप्लेंट के फेवर में हूं, बट आई नो तुम नहीं मानोगी, ऐसे में मैं खुद कंफ्यूज हूं कि किया क्या जा सकता है। आलोक कॉफी लेकर लौटा और कंसोल चेक करके बोला, शायद अंदर चला गया पानी, वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है, तू कॉफी पी और रेस्ट कर, जब ठीक लगे तो दूसरे वाले रिकॉर्डिंग रूम से शो कर लेना, मैं टेक्नीशियन को बुला लूंगा कंसोल चेक करने के लिए। अर्पिता ने ऋत्विक की तरफ देखा और दुखी होकर बोली, सॉरी हमारी वजह से कंसोल खराब हो गया। ऋत्विक बोला, इट्स ओके, वैसे भी चेक करवाना ही था इसे, आलोक बोल रहा था कि 4-5 दिन से रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ अजीब सा साउंड आता है। आलोक बोला, अरे तू चिंता क्यों कर रही है, तेरी सैलरी बढ़ी है ना, अभी रिपेयरिंग और सर्विस चार्ज उसी में से काट लेंगे। अर्पिता ने उसे घूर कर देखा तो आलोक हंसते हुए बोला, अरे सॉरी पैसे की बात सुनकर तेरा बीपी बढ़ जाए तो इसलिए बोल रहा था मैं, बड़ा क्या? आलोक की बात सुनकर अर्पिता झूठ में मुस्कुराती। अर्पिता ने सोचा, अगर समर ने दोबारा से किसी को हमारे घर भेजा तो वहां तो किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है कि कल वाला कांड कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी, और मम्मी जी को मेहमान नवाजी का ऐसा शौक है कि उनका बस चले तो यमराज को भी बैठाकर चाय नाश्ता करवा दे, कोई भी किसी बहाने से आ जाए तो बिठा लेंगे घर में उसे, उन्हें बोला होगा कि किसी को भी घर में आने दे और खुद भी बाहर न जाए, गौरव से तो कुछ बोल नहीं सकते वरना पहले उसके 10 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद भी वो ढीठ मानेगा नहीं, मम्मी जी को समझा देते हैं जितना भी समझे। अर्पिता ने मौका देखकर निर्मला को फोन किया और बोली, हेलो मम्मी जी सो रही है क्या? हाँ सोचा थोड़ा कमर सीधी कर लें। क्या हुआ, नहीं सोए का? अर्पिता बोली, सो रही थी लेकिन आंखें खोलकर। निर्मला चौंक कर बोली, अब आंखें खोलकर कैसे सोया जाता है अर्पिता, तुम अपनी माँ को सिखाओ ये ठीक है, खूब खड़ाके मार के बढ़िया से सो रही है, हमको इतनी मुश्किल से नींद आई थी फिर तुमने सोने का नया तरीका बताने के लिए फोन करके जगा दिया। अर्पिता बोली, हम कोई ऐसे ही थोड़ी ना फोन किए हैं, बहुत जरूरी बात बतानी है आपको, हमारी सहेली जो 2 बिल्डिंग छोड़कर तीसरी बिल्डिंग में रहती है उसने बताया है हमें, आजकल हमारे एरिया में चोरी लूटपाट बहुत बढ़ गया है, बाहर निकलो तो ऑटो के मोबाइल चेन कानों के बूंदे छीन कर ले जाते हैं और घर में भी कुछ भी बनकर घुस जाते हैं, जैसे बिजली या नल सही करने वाला, कचरे वाला, नहीं तो कुछ बेचने वाला, फिर कुछ सामान लूट कर ले जाते हैं और घर में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, इसलिए आप होशियार रहिएगा, घर में ऐसे ही किसी को मत घुसा लीजिएगा और आप खुद भी बाहर मत जाइएगा, समझ गई आप, और अपने बबुआ को भी समझा दीजिएगा, पर हमारा नाम मत लीजिएगा वरना हमारे घर का तो उल्टा करेंगे वो, ठीक है? निर्मला बोली, सच बोल रही हो, कल ही तो घर पर नल ठीक करने वाला आया था, भगवान जाने कहां ले गया होगा, हमें एक बार अपना और घर का सारा सामान देख लेते हैं कि सब ठीक तो है ना, चलो अब रखते हैं फोन। निर्मला ने फोन रखा तो अर्पिता चैन की सांस लेकर बोली, चलो ये तो मान गई, अब हमको चिंता थोड़ी कम रहेगी। Share your secrets with Koyal Malhotra. कॉल के दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आई जो बहुत परेशान लग रहा था। हेलो कोयल, मैं करीम बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? अर्पिता बोली, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? करीम बोला, हाँ सही पहचाना तुमने, एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, दरअसल एक राज है जो मैं कई दिनों से अपने बेटे से छिपा रहा हूँ, लेकिन मुझे हर समय ये डर लगा रहता है कि अगर उसे पता चल गया तो। अर्पिता थोड़ा रुककर बोली, करीम चाचा
जाहिर है आप इसे राज बोल रहे हैं, मतलब यहाँ सबके सामने तो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं पूछूंगी भी नहीं। लेकिन आपको डर किस बात का लगता है? मतलब अगर वो राज आपके बेटे के सामने आ गया तो क्या होगा? करीम बोला, वो तो पता नहीं, शायद वो मुझसे गुस्सा हो जाए, शायद मुझसे हर रिश्ता तोड़ दे, या शायद मुझसे बहुत नफरत करने लगे, मुझे कुछ नहीं पता। सोच सोच कर थक गया हूँ मैं, मुझे रातों की नींद आनी बंद हो गई है, हर वक्त टेंशन में रहता हूँ, ना ठीक से खा पाता हूँ और ना ही सो पाता हूँ। बेटा सामने होता है, उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ गलत नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी खुद को मुजरिम समझता हूँ, वो भी सिर्फ एक बात छिपाने के लिए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो। अर्पिता को ऐसे लगा जैसे कॉलर करीम अर्पिता की परेशानी है उसे बता रहा हो। वो खुद से बोली, दूसरों की परेशानी का हल बताना कितना आसान होता है, पर जब ये लग रहा है कि ये तो हमारी परेशानी है तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। करीम बोला, कोयल क्या तुम्हारे पास भी इस परेशानी का कोई हल नहीं है? पता नहीं मैं ऐसे कब तक रह पाऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, गिरना तो तय है। अर्पिता अचानक से बोली, करीम चाचा अगर गिरना तय है तो उस तरफ क्यों ना गिरा जाए जहां से फिर से उठने की गुंजाइश हो? करीम बोला, मतलब? अर्पिता बोली, मतलब वो करिए जिसमें नुकसान कम हो। एग्जांपल के लिए मानो आप भूख से मरने वाले हो और कोई आपके सामने दो तरह के सेब रख दे, एक जो सड़ा हुआ है और दूसरा जो जहरीला है। जहरीली सेब से बचना ना बचना आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, तो आप दोनों में से कौन सा सेब खाओगे? याद रखना आप बहुत भूखे हो, इतने भूखे कि आपने थोड़ी देर और कुछ नहीं खाया तो मर जाओगे। करीम सोचकर बोला, सड़ा हुआ सेब। अर्पिता बोली, क्यों? जहरीला सेब खाकर बच भी सकते हो, फिर सड़ा हुआ क्यों? करीम बोला, जहरीले सेब खाने के बाद तो मरने का चांस 50-50 है, लेकिन इम्यूनिटी वीक हुई तो मरना तय है, और सड़ा सेब खाकर बीमार होना तय है, लेकिन ठीक होने का चांस ज्यादा है। मरकर तो वापस जिंदा नहीं हो सकता ना, पर बीमार होकर ठीक हो सकता हूँ। अर्पिता बोली, आपका आपके बेटे से राज छिपाना भी ठीक ऐसा ही है, या तो उसे कभी ना कभी पता चल जाएगा या फिर कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर आप में बताने की हिम्मत है तो आप खुद उसे सब बताकर इस राज को यहीं खत्म कर दीजिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, वो आपसे गुस्सा हो ही ना, और गुस्सा हो भी तो ये सोचकर मान जाए कि आपने उसे खुद सब बता दिया है, लेकिन किसी और ने बताया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और उसे खुद राज बताना बिल्कुल ऐसे है जैसे कुएं में गिरे लेकिन स्विमिंग आती है, और खाई में गिरे लेकिन पैराशूट लेकर। नुकसान कम होगा, बचने के चांसेस ज्यादा है, और फिर भी बताने की हिम्मत ना होना तो इस राज को हमेशा के लिए दफन करके अपने डर को खत्म करने की कोशिश करिए। करीम बोला, मुझे लगता है मेरे बेटे को सब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ये राज रहा तो उसके साथ डर तो हमेशा ही रहेगा, ऐसे तो जीना मुश्किल है। ठीक है कोयल, अपना पैराशूट लेकर कूद पड़ता हूँ खाई में, शायद बच जाऊँ। थैंक यू। करीम ने फोन रखा तो अर्पिता खुद से बोली, अगर सिर्फ राज बाहर आने की बात होती तो शायद हम भी खाई में कूदने की हिम्मत कर पाते, अपना सीक्रेट खुद बता देते सबको, लेकिन हमें पता है उसके बाद भी समझ चैन से नहीं बैठेगा, उसकी जिद है ना, हम किसी न किसी तरह हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाता रहेगा वो। हम घर वालों का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उनको खोना नहीं, इसलिए सोच लिया है हमने, समर आ रहे हैं हम तुमसे मिलने, एक बार अपने डर का सामना भी करके देख लेते हैं, कम से कम हमारे घर वाले तो सेफ रहेंगे। पहले इस समर नाम के डर को खत्म करेंगे और फिर हमारी सीक्रेट को, और फाइनली सीक्रेट के बाहर आ जाने के डर को। थैंक यू करीम चाचा, आपके सवाल में अपना जवाब भी मिल गया हमें। अर्पिता ने फैसला कर लिया है अपने ब्लैकमेलर से मिलने का, क्या सही होगा ये फैसला या अर्पिता पड़ जाएगी और बड़ी मुसीबत में? जाने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ने अपने डर से दूर भागने के बजाय उसे लड़ने का फैसला किया। उसे समझ आ गया था कि समर सिर्फ अर्पिता की सीक्रेट को सबके सामने लाने तक नहीं रुकेगा, बल्कि बाद में भी अर्पिता के घर वालों को किसी न किसी तरह से परेशान करता रहेगा। इसलिए अर्पिता ने सोच लिया था कि वो समर से मिलने जाएगी और उसका मकसद पता करेगी। शाम को अर्पिता मैकेनिक से गौरव की कार लेकर घर पहुंची और कार पार्किंग में लगाकर गहरी सांस लेकर बोली, चलो गौरव की कार सही सलामत यहां पहुंच गई, अब जाकर दिल को तसल्ली मिली बाबा जी, पर बैठे बिठाए 10,000 का फटका लग गया, अब कल राज की कार भी लौटा देंगे, फिर ये कारों की टेंशन से मुक्ति। अर्पिता जैसे ही लिफ्ट में घुसने लगी तो गार्ड ने उसे आवाज लगाई, मैडम अर्पिता मैडम। अर्पिता पीछे मुड़ी तो गार्ड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। जब वो अर्पिता के पास पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। अर्पिता बोली, क्या भैया कुछ खा नहीं रहे हो क्या आजकल, इतना सा दौड़ने में थक गए? गार्ड बोला, अरे मैडम खाते तो है, वो क्या है ना सर्दी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, स्वेटर और जैकेट का वजन भी तो बढ़ जाता है, अरे इसलिए भागने में सांस भर गई। अर्पिता बोली, अच्छा अच्छा अब आप भाग कर क्यों आए हैं, क्या हुआ है? गार्ड बोला, अरे देखिए मैडम आप गुस्सा मत होना, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, वो हम अभी चक्कर लगा रहे थे बिल्डिंग का, तब देखा हमने आप जो कार लाई थी ना कल, उसकी खिड़की का कांच टूटा हुआ है, हम तो दिन भर यहीं थे मैडम, पर पता नहीं कौन कब तोड़ गया। अर्पिता ये सुनकर चौंक गई, वो राज की गाड़ी के पास भाग कर गई और टूटा कांच देखकर बोली, ओह बाबा जी फिर से, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अर्पिता गार्ड से गुस्से में बोली, आपको सच में नहीं पता किसे तोड़ा ये? गार्ड बोला, अरे नहीं मैडम किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन अभी शाम को बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, शायद उनकी गेंद से टूट गया होगा। अर्पिता बोली, शायद? आप सिक्योरिटी करते हैं या सोते हैं बैठकर? कांच टूटने की आवाज होती है, वो नहीं आई आपको? अच्छा यहां सीसीटीवी लगाना, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाइए हमें। गार्ड डरते हुए बोला, अरे मैडम वो तो नहीं है, ये कैमरा खराब है पिछले 15 दिनों से। अर्पिता ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, आपको कुछ पता नहीं चलता, आपको कोई कुछ करता हुआ नहीं दिखता, आपको कोई आवाज नहीं आती तो फिर आप गॉड कैसे बन गए, कुछ करते तो है नहीं आप। गार्ड बोला, सॉरी मैडम पता नहीं कैसे मिस हो गया, मैं पूछता हूँ बिल्डिंग के बच्चों से, हाँ किसी ना किसी ने तो देखा होगा। अर्पिता बोली, रहने दीजिए आप ना, बस दो काम कीजिए, एक तो थोड़ा कम खाइए, अपना पेट देखा आपने, 10 कदम भाग कर आए उसमें आपकी सांस फूल गई, और दूसरा ये सारे कैमरा निकाल करना कबाड़ में बेच दीजिए, और जो पैसे आए उससे सुनने की मशीन खरीद लीजिए, काम आएगी। अर्पिता वहां से निकलकर घर पहुंची तो उसका खराब मूड देखकर उसकी माँ बोली, का हुआ, काहे गंगा मैया की तरह उफान मार रही हो, आप फिर से डांट खाकर आए हो का? अर्पिता बोली, कसम से माँ कल आपको बेहोश देख करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है शांति बहुत थी, ठीक होते करने लगी आप हमारी नाक में दम। गौरव बोला, माँ गलत नहीं बोल रही अर्पिता, मूड तो खराब है तुम्हारा, क्या हुआ? अर्पिता बोली, हमारे मैनेजर की कार की खिड़की तोड़ दी किसी ने। गौरव चौंक कर बोला, क्या किसने?
गार्ड कह रहा था बच्चों ने क्रिकेट खेलते हुए तोड़ दिया है, लेकिन उसे कुछ पक्का नहीं पता। नाम की सिक्योरिटी है यहाँ पर, कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता है। इससे अच्छा तो दो चार आंटियों को बिठा देते, वो सब पर बराबर नजर रखेंगी। गौरव बोला, मैंने तुम्हें आज सुबह इसलिए मना किया था कि कार घर पर छोड़ कर मत जाओ। दे दो अपने मैनेजर को आज ही, पर तुम इमरजेंसी के नाम पर छोड़ गई कार को घर में, और वो भी राजू के भरोसे। पड़ गए अब लेने के दिन। अरे इतनी महंगी कार है, सही करवाने के पैसे भी तो ज्यादा लगेंगे। हमने तो सबका भला सोच कर ही किया था, हमें क्या पता था भला करना इतना भारी पड़ेगा। अरे जिसने भी कोच तोड़ा उसके बिस्तर पर लाल चींटियां लग जाए और उसे काट काट कर सूझा दे। निर्मला बोली, बच्चों के लिए ऐसे बोलता है ककोई? खेल खेल में लग गई होगी गेंद, इसके लिए उनको लाल चींटियों से कटवाओगी, कांच तो ठीक हो जाएगा। अर्पिता मन में बोली, हमें पता है किसी बॉल बॉल से नहीं टूटी कांच, ये भी उस समर का किया हुआ है। अब बहुत हो गया, इस बार फोन आएगा तो फुल एंड फाइनल बात कर लेंगे। अर्पिता बेचैनी से समर के फोन का इंतजार कर रही थी। कांच तोड़ा है तो बताने के लिए फोन तो जरूर करेगा, इतनी तोड़ फोड़ मचा रखी है, लगता है रोहित शेट्टी का फैन है। इसकी तोड़ी हुई चीजों को सही करवाते करवाते तो कर्जे में आ जाएंगे बाबा जी। तभी अर्पिता के फोन की घंटी बजी, ब्लैकमेलर का ही फोन था। अर्पिता बाहर बालकनी में आई और फोन उठाकर बोली, हमें पता है, अब बोलोगी कि राज की कार भी तुम्हें तोड़ी है, अब बंद करो ये सब, हम तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं, बस अभी तोड़ फोड़ रोक दो, बोलो कहां और कब आना है। ब्लैकमेलर खुशी से बोला, सच थैंक गॉड तुम मिलने के लिए मानी तो सही, परसों मिलते हैं, जगह परसों सुबह ही बताऊंगा। अर्पिता बोली, इतने दिन से तुम मिलो मिलो लगा रखा था तुमने, अब जब हम मिलने के लिए कह रहे हैं तो परसों मिलोगे, कल क्यों नहीं? ब्लैकमेलर बोला, तुम्हारे वेलकम की तैयारी भी तो करनी है जान, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक तुम अपना माइंड मत चेंज कर लेना, वरना फिर से एंग्री यंग मैन बनना पड़ेगा मुझे। अर्पिता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो मिलने का पक्का इरादा कर लिया है, लेकिन अगर तुमने इस बीच किसी को भी कुछ किया तो मैं नहीं आऊंगी। ब्लैकमेलर बोला, प्रॉमिस किसी को कुछ नहीं करूंगा, परसों मिलते हैं और याद दिलाने के लिए कल फिर से फोन करूंगा, बाय। समर के फोन काटने पर अर्पिता खुद से बोली, भूलने देगा खुद को तब याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी ना, हमेशा तो भूत बनकर नाचता रहता है सिर पर। अगले दिन अर्पिता ऑफिस पहुंची और सीधे ऋत्विक के कैबिन में गई। वहां नकुल को देखकर बोली, ओ हाय नकुल, आप आ गए वापस, कैसी रही जयपुर में मीटिंग? नकुल बोला, बहुत अच्छी, जिस डील के लिए गया था वो डील पक्की हो गई है, तुम कैसी हो? मुझे ऋत्विक ने बताया सब, तुम्हारी माँ के बारे में भी, कैसी है वो अब? अर्पिता बोली, अब ठीक है, बाबा जी ने बचा लिया बस। अर्पिता ये समर मुझे ना साइको लग रहा है, किसी की जान लेना तो जैसे खेल है उसके लिए, ऋत्विक बता रहा था उसने तुम्हें मिलने के लिए बोला है, आई होप तुम जाओगी नहीं राइट? तभी राज और आलोक भी वहां आ गए। अर्पिता ने राज को उसकी कार की चाबी दी और बोली, आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हारी कार का भी बैंड बच गया। राज चौंक कर बोला, क्या हुआ मेरी कार को? अर्पिता बोली, समर ने उसका कांच भी तोड़ दिया, ये हमारा दोस्त होने की सजा है, समर रुकेगा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हमें उससे मिलना ही होगा। ऋत्विक चौंक कर बोला, व्हाट? अर्पिता तुम कहीं नहीं जा रही हो, उसका क्या भरोसा, तुम्हें कुछ कर दे तो? अर्पिता बोली, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उससे मिलना जरूरी है, और उससे मिलकर ही तो पता चलेगा कि उसको चाहिए क्या। ऋत्विक बोला, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें रोकना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्पिता बोली, तुम क्यों जाओगे हमारे साथ, ये लड़ाई हमारी है, हम खुद लड़ेंगे, तुम बस यहां से हमारी लोकेशन ट्रेस करते रहना, अगर जरूरत हुई तो बुला लेंगे हम तुम्हें। ऋत्विक ये सुनकर नाराज हो गया, वो बोला, तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो, तुम्हारे लिए कभी किसी और का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, पर मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर गई तो मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, समझ गई? ऋत्विक ये कहकर बाहर निकल गया। नकुल बोला, अर्पिता ऋत्विक ठीक बोल रहा है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, बट वी कांट फोर्स यू, तुम्हें सोच समझ कर करना होगा सब कुछ। अर्पिता बोली, बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया मैंने, बस सबका सपोर्ट चाहिए, गुस्सा या नाराजगी नहीं। राज बोला, अर्पिता भाई का कंसर्न गलत नहीं है, आखिर तू उनकी एम्प्लॉई है। अर्पिता राज को देखकर बोली, पता है हमें और बाकी सबको भी, तुम बस अपनी कार दे दो सर्विस के लिए, इंश्योरेंस के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो हम दे देंगे। अर्पिता मन में बोली, ऋत्विक को रेडी करना पड़ेगा, जिद में कहीं वो जमी जमाई बात ना बिगाड़ दे, समर पहले ही चढ़ा बैठा है उससे। शाम को अर्पिता घर पहुंची तो उसका मन भारी हो रहा था, उसे अगली सुबह का इंतजार भी था लेकिन डर ज्यादा था कि उसके साथ क्या होगा। रात को सोते समय वो परेशान होकर बार बार करवट बदल रही थी, वो खुद से ही बहस में लगी हुई थी। अगर समर का मकसद हमसे बदला लेना हुआ तो मतलब कल हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, किसी से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, सुबह जाने से पहले सबसे मिल लेंगे एक बार। अर्पिता बार बार हिल रही थी इसलिए गौरव की नींद खुल गई थी, वो बोला, क्या हुआ, गैस बन रही है, इतना क्यों हिल रही हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, कभी कभी होता है ना, इसलिए पोजीशन बदल बदल कर देख रहे हैं किसी में तो नींद आएगी। एक ट्रिक है, अपनी पलकों को जल्दी जल्दी 100 बार झपकाओ, नींद आ जाएगी। ये क्या ट्रिक हुई? ट्राइड एंड टेस्टेड है, कर लो तुम्हें ट्राई। अर्पिता ने पलके झपकानी शुरू की और उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह अर्पिता के फोन पर ब्लैकमेलर ने लोकेशन भेज दी और साथ में लिखा कि वो वहां अकेले आए। अर्पिता जो खुद को अब तक संभाली हुई थी ऑफिस निकलने से पहले अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो गई। वो अपनी माँ की तरफ भागी और उनसे लिपट कर बोली, माँ हमने आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज हमें माफ कर देना और खुश रहना। अर्पिता की बात सुनकर घर में सभी उसे हैरानी से देखने लगे। अब क्या करेगी अर्पिता, कैसे करेगी वो सामना समर का? जाने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ने समर से मिलने का फैसला कर लिया था लेकिन ऋत्विक अर्पिता को अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं था और अर्पिता वो तो साफ साफ बोल चुकी थी कि ये लड़ाई उसकी है इसलिए वो हर हाल में अकेले ही जाएगी। इस बात से ऋत्विक नाराज था। जब समर से मिलने का दिन आया तो अर्पिता को इस बात का डर था कि अगर वो वापस लौट कर नहीं आ पाई तो अपनी माँ और बाकी घर वालों से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसलिए सुबह जब वो घर से निकलने लगी तो अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो गई। वो उनसे लिपट कर बोली, माँ हमने आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज माफ कर देना और खुश रहना। अर्पिता की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। माँ बोली, अर्पिता बिटिया उस दिन बिजली का झटका हमको लगा था पर लगता है दिमाग तुम्हारा हिल गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम तो रोज अपनी बातों से हमारा इतना सिर दुखाती हो फिर दिल दुखाने के लिए माफी काहे मांग रही हो। अर्पिता पीछे हटी और बोली, इतना परेशान है आप हमसे कि हम माफी मांग रहे हैं तो भी आप ताना मार रही हो। अर्पिता की आंखों में पानी देखकर माँ बोली,
अरे तुम तो रो रही हो, कहाँ हुआ? अर्पिता ने अपनी आंखों को मसला और बहाना बनाते हुए बोली, हम कहाँ रो रहे हैं? ये तो आपके बालों में लगे तेल की खुशबू से हमारी आंखों में पानी आ गया है। इतने सारे तेलों में से सरसों का तेल मिला आपको लगाने के लिए, ऐसा लग रहा है आप बालों का अचार डालने वाली हैं। माँ बोली, बस इसीलिए तो बोले थे हम, सिर दुखाने वाली बातें करती हो और हमारे दिल की पड़ी है तुमको। हाँ तुम जाओ तो ऑफिस, लेट नहीं हो रही का आज? अर्पिता उठी और बोली, हाँ जा रहे हैं। मम्मी जी वो एक्स्ट्रा मसाले आटे के डिब्बे के पीछे वाले डिब्बे में रखे हैं, कहीं पुराने वाले खत्म हो जाएं और आप नए वाले मंगवा लो इसलिए। और गौरव, लॉकर की चाबी लकड़ी वाली अलमारी में ऊपर से तीसरे ड्रॉर में जो पेपर बिछा है ना उसके नीचे रखी है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में हैं। गौरव बोला, मुझे डॉक्यूमेंट से कोई काम नहीं आज, पर तुम ये सब क्यों बता रही हो? क्यों बता रहे हैं? घर में कौन सी चीज कहां रखी है ये सबको बताना चाहिए, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हमारे जाने के बाद फिर कुछ नहीं मिला ना तो आप लोग हमें बार बार फोन करके परेशान करोगे। अच्छा अब हम जाते हैं, सब अपना ध्यान रखना। निर्मला बोली, तुम्हारे जाने के बाद कहां जा रही हो तुम? ऑफिस और कहां, ये क्या सवाल है, रोज वहीं तो जाते हैं मम्मी जी, चलिए अब निकलते हैं। अर्पिता के जाते ही गौरव बुदबुदाया, आज बड़ा अजीब बिहेव कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है, जब ऑफिस से वापस आएगी ना तभी पूछूंगा। अर्पिता अपने घर की बिल्डिंग के बाहर आकर बोली, हम ऑफिस नहीं जाएंगे वरना ऋत्विक हमारे साथ आने की जिद करेगा, यहीं से निकल जाते हैं, आलोक को लोकेशन भेज देते हैं, हमने लौटे तो कम से कम कोई हमें ढूंढने तो आ जाएगा। अर्पिता ने जैसे ही आलोक को लोकेशन भेजी वैसे ही ऋत्विक का फोन आया। फोन उठाते ही ऋत्विक बोला, तुम कहां हो अभी? अपने घर के बाहर। क्यों? तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें पिक करता हूं आकर, फिर हम चलते हैं। यार तुम अजीब हो, तुम्हें बताया ना मैंने उसने अकेले आने के लिए बोला मुझे, और तुम फिर भी साथ आने की जिद कर रहे हो, किसी की खोपड़ी उड़वा कर मानोगे तुम? ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता ना, पर तुम्हारे पीछे पीछे तो जा सकता हूं, अपनी कार लेकर अलग से चलूंगा। अर्पिता बोली, यार हमको ना बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करें, तुम सुनते ही नहीं हो, तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम है तुम नहीं आओगे ना हमारे साथ और ना हमारे पीछे पीछे। ऋत्विक गुस्सा होकर बोला, क्या बार बार मॉम की कसम दे देती हो, पिछली बार थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया था लेकिन उस वक्त वहां सारा मीडिया था, यहां तुम अकेली होंगी, मैं पहले वाली बात से अब तक गिल्ट में हूं, तुम एक और नया गिल्ट मत दो मुझे। अर्पिता खुद से बोली, ये ऐसे नहीं मानेगा, साथ नहीं गया तो आलोक से लोकेशन लेकर वहां पहुंच जाएगा, एक बार ऑफिस चली जाते हैं। अर्पिता बोली, अच्छा हम ऑफिस आते हैं अभी, तुम वहीं रुको। अर्पिता जल्दी से ऑफिस पहुंची और सीधे ऋत्विक के कैबिन में गई जहां आलोक और राज भी थे। अर्पिता बोली, क्या बच्चों की जैसे जिद लेकर बैठे हो तुम ऋत्विक, राज तू समझा अपने भाई को। ऋत्विक बोला, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें अकेले जाना है तुम जाओ। अर्पिता मुंह बनाकर बोली, फोन पर बोल देते तो हम वहीं से निकल जाते ना, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अकेले जाने की एक शर्त है, तुम मेरी कार लेकर जाओगी। अर्पिता बोली, अब क्या तुम्हें भी अपनी कार का हुलिया बदलवाना है? दो कारों के साथ क्या हुआ देखा तुमने, कारों को सही करवाते करवाते भिखारी बन जाएंगे हम टैक्सी से चले जाएंगे। मेरी कार में जीपीएस लगा हुआ है, हमें तुम्हारी लोकेशन पता चलती रहेगी, तुम ज्यादा सेफ रहोगी उसमें। ठीक है तुम्हारी कार ले जाएंगे, अब जाएं। आलोक बोला, ब्लैकमेलर से मिलने जा रही है तू, शाहरुख से नहीं, जो जाने की इतनी जल्दी मची तुझे। समर ने जो लोकेशन भेजी ना वो दिल्ली के छतरपुर में किसी जगह की है, राज ने पता किया है कि समर का जो फार्म हाउस है वो छतरपुर में है, हो सकता है उसने तुझे वहीं बुलाया हो। अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो तो झांसी की रानी बनने की जगह हमें फोन करना, हम रेडी रहेंगे। ओके हमको जल्दी नहीं है, वो पागल समर है ना, उसको जब से हमने बुलाया कि उससे मिलने आएंगे पगला गया है वो, तब से फोन के रिमाइंडर की तरह बार 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 याद दिलाया जा रहा है कि हमें उससे मिलने जाना है। ऋत्विक अर्पिता से बोला, लॉक खोलकर अपना फोन दो। अर्पिता ने पहले ऋत्विक को देखा और फिर फोन उसे पकड़ाते हुए बोली, क्या काम है हमारे फोन से? तुम्हारी इमरजेंसी कॉल में मेरा नंबर सेव कराओ, जैसे ही लगे कि प्रॉब्लम में हो तब बस ये SOS डायल कर देना, ऑटोमेटिकली मुझे फोन लग जाएगा। अननेसेसरी रिस्क मत लेना और ये पेपर्स पे रखो अपने पास में, काम आ सकता है। तुम जैसे ही उस जगह पहुंचोगी तब एक बार कॉल करोगी, अगर उस कॉल के एक घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा दोबारा कोई कॉल या मैसेज नहीं आया तो हम वहां पहुंच जाएंगे, सुना तुम्हें? अच्छा मैंने जो बोला है वो सब एक बार रिपीट करो, वहां पहुंचकर तुम्हें SOS फोन करें, तुम्हारा मैसेज ना आए तो पेपर स्प्रे कर दें। क्या? अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे हमको समझ आ गया है ना, हम कर लेंगे सब कुछ, अभी इतनी जल्दी है ना कि ओरल टेस्ट देने का टाइम नहीं है, हड़बड़ाहट में देखो ना पता नहीं क्या क्या बोले हैं। अच्छा अब हम जाते हैं। राजपुरा ऑल द बेस्ट अर्पिता, दुश्मन के छक्के छुड़ा देना। और फिर अर्पिता ऋत्विक की कार लेकर ऑफिस से निकल गई। वो खुद से बोली, बाबा जी जिंदगी में पंगे तो कई बार लिए हैं पर इस बार बहुत घबरा रहा है, मेरी रक्षा करना। जब वो गुरुग्राम के बाहर पहुंची तो उसे अचानक कार में किसी के खांसने की आवाज आई। अर्पिता ने कार रुकी और पीछे देखा, फिर वो बुदबुदाई, कान बज रहे हमारे। उसने दोबारा कार स्टार्ट की और फिर से निकल पड़ी। तभी अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आया और कार उछल गई और तब कार में किसी के चीखने की आवाज आई। इस बार आवाज सुनकर अर्पिता ने कार रोड के साइड में लगाई और मन में बोली, आवाज डिक्की से आ रही है, अभी तो पहुंचे भी नहीं और उससे पहले इतने से आपे पहुंचकर क्या होगा। अर्पिता ने अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाला और कार से उतरकर डिक्की के पास गई। उसने डरते डरते कार की डिक्की खोली और स्प्रे को गन की तरह हाथ में लेकर जल्दी से पीछे हो गई। डिक्की में किसी को लेटा देखकर वो चौंक कर बोली, तुम? डिक्की में से नकुल बाहर निकला तो अर्पिता बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? नकुल बोला, अरे मुझे ऋत्विक ने कहा था आने के लिए, तुमने उसे मना कर दिया था इसलिए उसने कहा कि मैं डिक्की में छुप कर बैठ जाऊं। तभी हम सोचे जो हमारे साथ आने की जिद पर अड़ा था वो अचानक से हमें अकेले भेजने के लिए तैयार कैसे हो गया? हाँ पर तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों उड़ा दी? समर ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसने अकेले बुलाया है हमें और तुम तो जानते हो ना वो कितना बड़ा साइको है, इसलिए तो डिक्की में छुपा था, पर जब कार उछलती है तो बहुत लगती है, मुझे ऐसे छिपना पड़ेगा कि समर को दिखाई भी ना दूं और हाथ पैर भी सलामत रहे। अर्पिता बोली, अब तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकते हम, तुम पीछे वाली सीट में नीचे छिपकर बैठ जाओ, चलो जल्दी। नकुल अंदर बैठा तो अर्पिता अभी कार लेकर समर की भेजी हुई लोकेशन की ओर निकल पड़ी। तुम्हें ऋत्विक ने हमारे साथ भेजने के लिए कन्विंस कैसे किया? नकुल बोला, कन्विंस करने की क्या जरूरत है, मेरा मतलब उसने बोला कि तुम अकेले ही जाओगी तो मैं जा सकता हूँ क्या तुम्हारे साथ, मैं आ गया। मुझे भी लगा कि दो दिमाग एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, समर का कोई भरोसा तो है नहीं, वहां तुम्हें कुछ मुसीबत हुई तो ऋत्विक वगैरह को ऑफिस से आने में टाइम लग जाएगा, इतनी देर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ऐसे में कोई साथ होना चाहिए। वैसे तुमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि वहां पहुंचकर क्या करना है?
अर्पिता बोली, इस बार कोई प्लान नहीं है, वहीं जाकर देखेंगे जो भी होगा। वैसे भी हमें देखते ही तो गोली मारनी देगा वो, थोड़ा तो टाइम देगा। गूगल मैप के हिसाब से तो पहुंच ही गए हम बस। एक काम करते हैं, ऋत्विक को इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्पिता जैसे ही ऋत्विक का नंबर मिलाने लगी, नकुल बोला, ओ नो, इसको भी अभी बंद होना था यार, शिट। अर्पिता बीच में रुककर बोली, अब क्या हुआ? नकुल बोला, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना था लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई है, बहुत अर्जेंट था, शिट। अर्पिता बोली, अगर तुम्हें नंबर याद है तो हमारे फोन से कर दो। अर्पिता ने ऐसा कहकर अपना फोन नकुल की तरफ बढ़ा दिया। नकुल ने फोन लिया और बोला, थैंक्स। उसने फोन स्विच ऑफ किया और अपने बैग में डाल लिया। अर्पिता चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, फोन बंद क्यों किया? नकुल मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अब ऋत्विक से और बात करो। अर्पिता ये सुनकर हैरान रह गई। तभी नकुल ने रुमाल अर्पिता की नाक और मुंह पर लगा दिया। अगले ही पल अर्पिता कार में बेहोश पड़ी थी। नकुल ने ऐसा क्यों किया? अब क्या होगा अर्पिता के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ऋत्विक की कार लेकर समर से मिलने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में उसे लगा जैसे कार में उसके अलावा भी कोई है। अर्पिता ने उतरकर कार की डिक्की में देखा तो नकुल को वहां देखकर हैरान रह गई। नकुल ने कहा कि उसे ऋत्विक ने भेजा है। अर्पिता ने नकुल को कार में छिपे रहने के लिए कहा। जब अर्पिता समर की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंची तो नकुल ने चालाकी से अर्पिता का फोन लेकर उसे बंद कर दिया और अर्पिता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। ऑफिस में ऋत्विक ने अपनी कार की लोकेशन देखकर कहा, अर्पिता को लोकेशन पर पहुंचे 10 मिनट हो चुके, लेकिन उसने पहुंचने के बाद अब तक फोन क्यों नहीं किया है? नकुल ने भी आखिरी मैसेज 20 मिनट पहले किया था जब अर्पिता ने उसे कार की डिक्की में देख लिया था। अब और वेट नहीं कर सकते, मैं फोन लगा रहा हूं उन्हें। ऋत्विक ने पहले नकुल को फोन मिलाया तो हैरान होकर बोला, नंबर बंद आ रहा है, अर्पिता का फोन ट्राई करता हूं। लेकिन जब अर्पिता का नंबर भी बंद आया तो ऋत्विक परेशान हो गया। अर्पिता का नंबर भी बंद आ रहा है, दोनों का नंबर एक साथ कैसे बंद हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। आलोक, राज, मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूं, तुम दोनों उन दोनों का नंबर ट्राई करते रहना और कांटेक्ट होते ही मुझे बताना। आलोक बोला, यार यहां सबको वन मैन आर्मी क्यों बनाया? पहले अर्पिता मैडम अकेले निकली और अब तू, उसके साथ तो फिर भी नकुल है, मैं चलता हूं तेरे साथ, यहां राज संभालेगा। और फिर ऋत्विक और आलोक जल्दी से लोकेशन के लिए निकल गए। वहां कुछ देर बाद जब अर्पिता को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ पाया और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी थी। वो वहां अकेले ही थी। अर्पिता याद करने लगी कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। हम ऑफिस से अकेले ही निकले थे, कार में नकुल छिपा हुआ था, वो हमारे साथ उस लोकेशन तक आया, हाँ, फिर उसने हमारा फोन बंद कर दिया था और हमें बेहोश कर दिया। नकुल ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब वो समर से मिला हुआ है? और ये जगह कौन सी है? जिस लोकेशन पर हम पहुंचे थे वो तो बिल्कुल सुनसान जगह थी। अर्पिता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। वो बंद मुंह से जितना चिल्ला सकती थी चिल्लाने लगी। तभी उसे किसी के कमरे की तरफ आने की आवाज आई। वो चुप हो गई। उसने देखा कि हाथ में खाने की प्लेट लिए नकुल कमरे में घुसा। उसने प्लेट साइड में रखी और अर्पिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर प्यार से कहा, मैं तुम्हारी पट्टी हटाने वाला हूँ, पर प्रॉमिस मी कि तुम चिल्लाओगी नहीं। वैसे तो तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन तुम चिल्लाओगी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज चुप रहना, ठीक है? नकुल की पट्टी हटाते ही अर्पिता गुस्से में बोली, तो के पास तुम पर हम सबने यकीन किया, ऋत्विक ने तुम्हें हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा था और तुम ये सब कर रहे हो। नकुल अर्पिता के मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम, ऋत्विक ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था। ध्यान रख तो रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे भी लाया हूँ। ऐसा बोलकर नकुल पीछे हटा तो अर्पिता बोली, तुमसे तो बात ही नहीं करनी है हमें, तुम्हारे बॉस समर को बुलाओ, उसी के लिए काम करती हो ना तुम, समर, समर। नकुल जोर जोर से हंसने लगा और अर्पिता हैरानी से उसे देखने लगी। वहां ऋत्विक और आलोक कार की लोकेशन पर पहुंचे तो कार को वहीं खड़ा देखकर उसके पास भाग कर गए। आलोक बोला, कार में तो कोई भी नहीं है, दोनों कहां गए? दोनों का फोन भी अब तक बंद ही आ रहा है, और ये कैसी जगह बुलाया था समर ने अर्पिता को, यहां तो बस जंगली जंगल है। ऋत्विक बोला, समर ने कहीं दोनों को किडनैप तो नहीं कर लिया? आलोक तू अपनी कार ले और मैं अपनी कार लेता हूं, एक बार आसपास का एरिया छान लेते हैं, एमएलए मोहन चौधरी का फार्म हाउस यहीं कहीं है, दिखे तो मुझे फोन करना। दोनों अपनी अपनी कार से अर्पिता और नकुल को ढूंढने निकल गए। कुछ देर बाद ऋत्विक के फोन पर आलोक का फोन आया। आलोक बोला, ऋत्विक मैं एमएलए के फार्म हाउस के बाहर हूं, तुझे लोकेशन भेजता हूं, ओके जल्दी आ जा। ऋत्विक लोकेशन मिलते ही वहां पहुंचा तो आलोक बोला, कैसे पता करें कि अर्पिता और बाकी दोनों अंदर हैं या नहीं, यहां तो दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अंदर कैसे जाएंगे? ऋत्विक बोला, इसका भी इंतजाम है मेरे पास, रुक एक मिनट। ऋत्विक ने अपना बैग निकाला और उसमें से कुछ कपड़े निकालकर बोला, ये सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म है, तू पहन ले से, और एमएलए के सिक्योरिटी गार्ड से बातों बातों में बताकर कि अंदर कोई है क्या और अंदर जाने का जुगाड़ हो सके तो वो भी करना। आलोक बोला, वाह भाई तू भी ये सब करने लगा, अर्पिता की संगत हम सबको जासूस बनाकर छोड़ेगी। ऋत्विक बोला, अर्पिता का ही आइडिया है ये, उसने कहा था कि अगर 4-5 घंटे बाद भी उसका पता चले तो ये तरीका ट्राई करना है। आलोक बोला, पर अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। ऋत्विक बोला, तो क्या सच में 5 घंटे पूरे होने का वेट करूं, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तू चेंज कर, मुझे ये एक्टिंग नहीं आती वरना मैं चला जाता। आलोक ने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी, ईयरफोन्स लगाए और ऋत्विक को फोन लगाकर कॉल चालू ही रखा ताकि ऋत्विक सब सुन सके, और एमएलए के फार्म हाउस की सिक्योरिटी गार्ड के पास चला गया। आलोक सिक्योरिटी गार्ड से बोला, और भाई क्या हाल है? गार्ड आलोक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैं बढ़िया, तू जाने क्या मैंने, मैं तेरा भाई कैसे हो गया? आलोक बोला, तुम सिक्योरिटी वाले हम भी सिक्योरिटी वाले तो भाई भाई हुए ना, वैसे हमें तो पूछना था कि यहां किसी काम वाले की जरूरत है क्या, हमारा भाई आने वाला है अगले हफ्ते गांव से, उसी के लिए पूछ रहे हैं। गार्ड बोला, ना भाई इधर तो कोई जरूरत ना है किसी आदमी की, तू कहीं और पूछ, राम राम। आलोक को कुछ समझ नहीं आया तो ऋत्विक बोला, तेरी पैंट की राइट पॉकेट में सिगरेट और लाइटर रखा है, निकाल कर पी और थैंक यू बोलकर निकल जा वहां से। आलोक बुदबुदाया, मैंने पूरी जिंदगी में आज तक सिगरेट नहीं पी यार, ये तो मत करवा। ऋत्विक बोला, अर्पिता को बचाना है तो करना ही पड़ेगा यार, असली में मत पीना, नाटक कर ले। आलोक ने सिगरेट जलाई और बोला, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। आलोक जैसे ही निकलने लगा गार्ड बोला, क्या बात है, गार्ड है और इतनी महंगी सिगरेट पी रहा है, अंबानी के यहाँ नौकरी करे के? आलोक बोला, अरे नहीं नहीं ये जो अगली गली में डॉक्टर है ना, उसके बंगले में गार्ड है हम,
तनख्वाह तो हम जैसे लोगों को बस नाम की मिलती है, ये तो तुम जानते हो। ये सिगरेट और दारू वगैरह का जुगाड़ तो खुद ही बिठाना पड़ता है। लो ना, तुम भी पियो। आलोक ने सिगरेट का डिब्बा गार्ड के आगे कर दिया। गार्ड ने एक पल के लिए सोचा और फिर डिब्बे में से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। ऋत्विक बोला, आलोक यही मौका है, उससे पूछ ले जो भी पूछना है। आलोक गार्ड से बोला, भाई ये एमएलए मोहन चौधरी का फार्म हाउस है ना, वो लोग कभी आते भी हैं या सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का तरीका है? गार्ड बोला, आते हैं ना, जब कोई कांड कर देते हैं तो मुझे पाने के लिए नहीं आते हैं। वैसे इकलौता फार्म हाउस थोड़ी ना ये उनका, ऐसे 15-20 होंगे। इसके अलावा दो छतरपुर में है, कोई भांजे के नाम से, कोई भतीजे के नाम से, कहीं आसपास ही बताते हैं। इवन मैं तो आज तक गया नहीं वहां। आलोक बताया, इसके अलावा और भी दो फार्म हाउस है यहां। ये भगवान, अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? के बोला तू? आलोक जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ये कि तुम्हारा मालिक कांड करके यहां आता है और हमारा मालिक वो डॉक्टर बीवी से चिपकर कांड करने के लिए यहां आता है, अमीरों के चोचले। वैसे अभी एमएलए या कोई और आया हुआ है क्या यहां? गार्ड बोला, तू क्या करेगा जानकर? बताया तो तेरे ताई कोई काम ना है। वैसे तने बताया नहीं तू इतनी महंगी सिगरेट और दारू का जुगाड़ कैसे करे, और जैसे सिगरेट ब्रांडेड पीता है वैसे दारू भी ब्रांडेड होती होगी तेरे पास, या देसी पीता है? आलोक गार्ड के पास जाकर बोला, देखो हमारा एक सीक्रेट है, पर तुम आदमी अच्छे लगे इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। जब से डॉक्टर के यहाँ चौकीदारी करने लगे हैं, भगवान कसम एक बार भी महंगी वाली अंग्रेजी दारू के अलावा कोई और दारू नहीं पी। बंगले में दारू भर भर कर रखी है, जब मन होता है निकाल कर पी लेते हैं। डॉक्टर को लगता है उसके बेटे ने पी होगी और बेटे को लगता है उसके बाप ने, और मजे हम कर रहे हैं। गार्ड बोला, तने डर ना लगता? कभी तेरे मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? आलोक बोला, पिछले 4-5 महीने से तो नहीं पता चला, हम तो पहले वाले बंगले में भी ये करते थे। वैसे एक बात बताओ, ड्यूटी हम 10-12 घंटे करते हैं, मिलता क्या है? कुछ हजार रुपए और गालियां, इसलिए हम अपनी वसूली ऐसे करते हैं। गार्ड बोला, तो फिर अपने इस भाई को महंगी दारू का पिला रहा है तू? अरे पिलाने के लिए लियो थोड़े पैसे। आलोक बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो अभी हमारे साथ 97-इंच के टीवी के सामने सोफे पर बैठकर आराम से पिएंगे दोनों। ओ भाई अभी पिलाएगा तो ड्यूटी कौन करेगा फिर, रात का जुगाड़ कर कोई? आलोक बोला, हमारी दिन की ड्यूटी है तो अभी तो पिएंगे, अभी पीना तो बोलो, फिर का डॉक्टर आने वाला है, पर यहाँ छोड़कर ना जा सकता ना। चल तू यहीं ले आ, फिर सर्वेंट क्वार्टर में बैठकर पिएंगे दोनों भाई। आलोक बोला, ठीक है, तुम बर्फ सोडा पानी का इंतजाम करो, हम बस 15 मिनट में दारू लेकर आए। आलोक वहां से निकला और दूर खड़ी ऋत्विक की कार के पास जाकर बोला, चेक कर पास में शराब की दुकान कहाँ है। ऋत्विक बोला, वो गार्ड ज्यादा पसंद आ गया तुझे, जो अब सिगरेट के बाद साथ में शराब भी पीनी है? क्या है, तूने तो बोला था ये सब करने के लिए, अब चिड़चिड़ क्यों कर रहा है? ऋत्विक बोला, अगर वो गार्ड दोपहर में पीने के लिए मान गया मतलब इस फार्म हाउस में कोई नहीं है, वरना वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। यहां से निकलते हैं आप, एमएलए के बाकी दो फार्म हाउस में देखते हैं, अर्पिता और नकुल वहीं होंगे। आलोक बोला, ओ भाई यहाँ 100 से ज्यादा बंगले और फार्म हाउस है, पता कैसे चलेगा कौन सा एमएलए का है? सबसे जा जाकर ऐसी बात थोड़ी ना करूंगा, सिक्योरिटी गार्ड एसोसिएशन वाले पकड़ कर मारेंगे मुझे। ये गार्ड तो लालची था, एमएलए का बेड़ा गर्क करवाएगा ये, लेकिन अगर कोई गार्ड ईमानदार निकल गया तो मुझे पीट पीट कर मार देगा। और जरूरी नहीं है कि समय अर्पिता और नकुल को यहीं आसपास लेकर गया हो सकता है कहीं दूर ले गया हो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, अभी ऑफिस चलते हैं। ऋत्विक बोला, तुझे वापस जाना है तो तू जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अकेले ढूंढूंगा उसे। ऋत्विक कार स्टार्ट करके निकलने लगा तो आलोक बोला, हाँ मुझे विलेन बना दे तू, तो चल रहा हूं मैं भी, पहले की तरह ही ढूंढते हैं, तू वहां जा और मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं। अब कैसे ढूंढेंगे आलोक और ऋत्विक अर्पिता को इस अनजान जगह पर, और क्या होगा अर्पिता के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।